क्या है? यीशु अब भी आया तो क्या होगा, उसके बाद में दुनिया में क्या होने वाला है, इसको समझने के लिए एक चार्ट तैयार किया है। आप लोग ऑलरेडी सुना है, बहुत लोग सुना है, फिर भी चिंता मत करो, आपको ये रिविजन और आपको अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो जो आगे होने वाला है उसको समझने के लिए एक चार्ट तैयार किया है। इसमें ऊपर क्या लिखा है सब मिलकर पढ़ेंगे, 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य। ठीक है, 7 साल मसीहा के विरोधी। मसीहा के विरोधी मतलब कौन है, मैं पहला आपको सिखाया ना, मसीहा के विरोधी मतलब कौन है, पानी बाद में देंगे तो भी चलेगा या अभी नहीं, या मैसेज शुरू होगा बिल्कुल सब कुछ बंद, अभी 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 रख देना, रख देना, बाद में देंगे भैया, ओके। तो मैं पहला आपको बोला था ना, मसीहा के विरोधी मतलब कौन है, ये भैया साउंड कुंजों को रुपा प्रेज द लॉर्ड, मतलब कौन है, मैं पहला बोला था, एक कौन वाला है पास्टर, अरे वाह मारी पास्टर ने बोला है, पास्टर के लिए ताले बजाएंगे अभी, इसके बाद पास्टर नहीं बोलना विश्वास लोग बोलना है क्योंकि उनको समझ में आना है। ठीक है, ओके। तो मसीहा के विरोधी मतलब एक मनुष्य, सब बोलो एक, हाँ, परमेश्वर को विरुद्ध इस पृथ्वी पर राज्य करने वाला एक मनुष्य है, उसका नाम प्रकाशित वाक्य में लिखा है मसीहा के विरोधी मतलब एक मनुष्य यीशु मसीह को विरुद्ध इसी पृथ्वी पर राज्य करने वाला एक मनुष्य मसीहा के विरोधी, उसका राज्य इसी पृथ्वी पर होने वाला है। कितना साल होने वाला है? ठीक है, वो 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य पृथ्वी पर कब शुरू होगा, कब एंड होगा, अंत होगा, अभी हम देख, पहले देखेंगे कब शुरू होने वाला है। इधर क्या लिखा है सब मिलकर पढ़ेंगे, कलिसिया उठाने के और मसीह विरोधी का राज्य दुनिया में शुरू हो जाए। कलिसिया मतलब कौन है, हम है, हम है, हम लोग अभी आने वाले यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग जाने के बाद मसीह विरोधी का राज्य दुनिया में शुरू हो जाए। जब तक कलिसिया पृथ्वी पर रहेगा तब तक मसीह विरोधी का राज्य दुनिया में शुरू नहीं होगा। जब हम यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे, हम स्वर्ग जाने के बाद मसीह विरोधी का राज्य पृथ्वी पर शुरू हो जाए। ठीक है, अभी ठीक से सुनो, मसीह विरोधी का राज्य दुनिया में कब एंड होने वाला है, जो अपना ब्रदर्स वर्शिप टीम प्लीज आकर बैठ जाइए, हाँ इधर उधर घूमना नहीं, घूमना नहीं, बोलना नहीं, या आप तो लीडर्स है, यू शुड बी द मॉडल फॉर द कांग्रीगेशन। कलिसिया को हम एक मॉडल बनना है, इसलिए जो इधर भी बैठे हैं बिल्कुल बोलना नहीं, कोई बोलने के लिए कारण नहीं, घूमने के लिए भी कारण नहीं, तो आपका आवाज इधर से नहीं आना, कोई बोलना नहीं और वचन को सुनना। ठीक है, तो मसीह विरोधी का राज्य दुनिया में कब शुरू होगा, बोलो एंड कब होने वाला है, अंत कब होने वाला है मसीह विरोधी का राज्य। इधर क्या लिखा है सब मिलकर पढ़ेंगे, यीशु के 1000 साल राज्य के पहले मसीह विरोधी का राज्य दुनिया में खत्म हो जाए। ये क्या, यीशु के 1000 साल राज्य मतलब क्या है, तो कुंजों इधर पढ़ना करता है, ओके। यीशु के 1000 साल राज्य मतलब क्या है, ठीक से सुनो, अभी यीशु आने वाला है, क्यों आने वाला है, हमको ले जाने, अभी आने वाले यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग जाएंगे,
जब हम स्वर्ग में रहेंगे यीशु के साथ, तब इस पृथ्वी पर किसका राज्य होगा? कितना साल? और सात साल मसीह उरुद के राज्य जब एंड होगा, अंत होगा, तब स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ रहने वाले हम लोग क्या करें? हम स्वर्ग से इसी पृथ्वी पर उतरेंगे। जब मसीह उरुद के राज्य दुनिया में एंड होगा, अंत होगा, सात साल, तब हम क्या करेंगे? जो हम स्वर्ग में रहेंगे ना यीशु के साथ, फिर से हम स्वर्ग से इसी पृथ्वी पर उतरेंगे। क्यों? हम लोग यीशु मसीह के साथ 1000 साल राज्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग यीशु के साथ पृथ्वी पर कितना साल राज्य करेंगे? हम कैसा राज्य करेंगे, किसके ऊपर राज्य करेंगे, 1000 साल यीशु का राज्य कैसा होगा, ये सब हम आगे जाता जाता देखने वाले हैं। हालेलुया। वो 1000 साल यीशु का राज्य के पहले मसीह उरुद के राज्य दुनिया में खत्म हो जाएगा। अभी ठीक से सुनना, मसीह उरुद के राज्य के पहले भी यीशु स्वर्ग से उतरेगा, बाद में भी यीशु स्वर्ग से उतरेगा। इधर भी यीशु स्वर्ग से उतरने वाला है, इधर भी उतरने वाला है। यीशु का इन दोनों आगमन के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, इसको अभी देखेंगे। इधर यीशु का आगमन है गुप्त आगमन, लेकिन इधर यीशु का आगमन है दूसरा आगमन। सब बोलो, इधर यीशु का आगमन कौन सा आगमन? इधर कौन सा आगमन? इधर क्यों गुप्त आगमन, इधर क्यों दूसरा आगमन, अभी बताता हूं। इधर यीशु आने वाला है, क्यों आने वाला है बोलो? हमको ले जाने के लिए, ऐसा बोलना। इधर यीशु आने क्यों आने वाला है? हमको, हमको ले जाने के लिए यीशु कब आने वाला है किसको भी मालूम, इसलिए गुप्त आगमन, समझ गए? लेकिन इधर यीशु का आगमन है दूसरा आगमन। इधर क्यों दूसरा आगमन? इधर जब यीशु स्वर्ग से उतरेगा, इसी पृथ्वी पर यीशु रहने वाला है। इधर जब यीशु आएगा पृथ्वी पर रहने वाला, कितना साल रहने वाला है? 1000 साल। लेकिन इधर जब यीशु आएगा पृथ्वी पर आकर नहीं रहेगा, इधर जब यीशु आएगा मध्य आकाश तक आएगा यीशु, और उधर से यीशु क्या करेगा? स्वर्गदूत लोगों को पृथ्वी के चारों कोनों पर भेज देगा। परमेश्वर से चुने हुए अपना शरीर बदल जाएगा, अपना शरीर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और स्वर्गदूत हमको पृथ्वी पर से यीशु तक उठाकर लेके जाएंगे। मध्य आकाश के बाद हम यीशु के साथ बादल पर बैठकर स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। इधर जब यीशु आएगा तब यीशु पृथ्वी पर आकर किधर तक आएगा? उधर से उधर। लेकिन इधर जब यीशु आएगा वापस, इसी पृथ्वी पर रहने वाला कितना साल रहेगा? हाँ, अभी कौन मुझे जवाब देंगे, मैं देखता हूं। इस पृथ्वी पर रहने के लिए आने वाला, रहने के लिए आने वाला यीशु का दूसरा आगमन इधर है, तो इसके पहले एक बार यीशु इस पृथ्वी पर आकर रहता था। एक बार आकर रहता था, कब इस पृथ्वी पर आकर रहता था? एक बार आकर रह गया, कब? पैदा हुआ ना, जन्म हुआ ना, उस टाइम यीशु पृथ्वी पर आकर रहता। कितना साल रहता था? कितना साल? अभी अभी बच्चे लोग मुझे बोलना। हाँ, यीशु पृथ्वी पर आ, जब यीशु पृथ्वी पर जन्म होगा तब यीशु पृथ्वी पर आकर कितना साल रहता था बोल? हाँ, आप मत बोलना। बच्चे लोग बोलना, ठीक है? कल से क्या करना, माँ बाप बच्चे लोगों को आगे बिठाना, ये सब बच्चे लोगों के लिए फर्स्ट स्थान बच्चों के लिए, और उसके बाद जवान लोगों के लिए,
बुड्ढा बुड्ढी सब पीछे ठीक है ठीक है चलेगा, लेकिन पास्टर लोग को आगे भेज सके जो जिनका उम्र ज्यादा हो गया ना वो सब पीछे भेज, लेकिन बच्चे लोग माँ बाप अपना बच्चों लोगों को आगे आकर बिठाना, ये 8 दिन में अपना बच्चों का जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। और जवान लोगों का जीवन बदल जाएगा। इसलिए ना सो कल से माँ बाप क्या करना, फर्स्ट बच्चों को बिठाना, उसके बाद जवान लोग जिनका शादी नहीं हुआ वे सब बेटी लोग किधर बेटा लोग किधर, उसके बाद जिनका शादी हो गया वो पीछे, लेकिन पास्टर लोग कैसा भी बैठ सके वो तो कुर्सी पर बैठ रहा है ना। हालेलुया। ठीक है, तो इस पृथ्वी पर रहने के लिए आने वाला यीशु का दूसरा आगमन इधर है, तो इसके पहले एक बार आकर यीशु इस पृथ्वी पर रह चुका है एक बार। कब जन्म हुआ ना, तब कितना साल रहता था, 33.5 साल। सब बोलो, उसी टाइम उसी समय है फर्स्ट इस पृथ्वी पर आकर रहता था। उसके बाद इस पृथ्वी पर रहने के लिए आने वाला यीशु का दूसरा आगमन इधर है। समझ गए, जब जन्म हुआ वो फर्स्ट टाइम इस पृथ्वी पर रह चुका है, उसके बाद इस पृथ्वी पर रहने के लिए आने वाला दूसरा आगमन किधर है, इधर है, इधर नहीं, क्योंकि इधर जब यीशु आएगा पृथ्वी पर आकर नहीं रहे, मध्य आकाश तक आएगा, उधर से उधर वापस जाएगा। इसलिए पृथ्वी पर रहने के लिए आने वाला यीशु का दूसरा आगमन इधर है। इसलिए बाइबल कह रहा है इधर यीशु का आगमन दूसरा आगमन, इधर यीशु का आगमन बोलो। बच्चे देखो कितना अच्छा जवाब देते हैं, इसलिए कल बच्चे लोग सामने बैठना, जो अच्छा जवाब देंगे वो बच्चों लोगों के लिए हम सब ताले बजाएंगे। ठीक है, ठीक है, अभी बच्चे लोग मुझे जोर से बोलना, इधर यीशु का आगमन कौन सा आगमन, इधर जब यीशु आएगा हमको ले जाने के लिए आएगा, तब यीशु के साथ कौन आएंगे, बच्चे बोलना, इधर जब यीशु आएगा हमको ले जाने के लिए तब यीशु के साथ कौन आएंगे, जवान लोग बोलो, स्वर्गदूत लोग आएंगे। इधर जब यीशु आएगा हमको ले जाने के लिए तब यीशु के साथ कौन आएंगे, और यीशु बादल पर बैठ कर आएगा। इसको बाइबल कहते हैं गुप्त आगमन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मसीह विरोधी राज्य के बाद इधर जब यीशु आएगा तब यीशु के साथ कौन आएंगे, हम आएंगे। इधर यीशु के साथ कौन आएंगे, लेकिन इधर यीशु के साथ कौन आएंगे, कैसे आएंगे, यीशु सफेद घोड़े पर बैठकर आगे आएगा, हम सब लोग एक एक सफेद घोड़े पर बैठकर सफेद वस्त्र पहनकर यीशु के पीछे पीछे आएंगे इसी पृथ्वी पर 1000 साल राज्य करने के लिए। हालेलुया। इसको बाइबल कहते हैं दूसरा आगमन, इंग्लिश में क्या है, सेकंड कमिंग। समझ गए, मतलब मसीह राज्य के पहले यीशु का आगमन गुप्त आगमन, मसीह राज्य के बाद में यीशु का आगमन दूसरा आगमन। समझ गए, अंतर समझ गए। ठीक है, अभी हम देखेंगे मसीह राज्य में पृथ्वी पर कौन कौन रहेंगे, मसीह राज्य में पृथ्वी पर बोलो, पृथ्वी पर कौन कौन रहेंगे, दो ग्रुप लोग मसीह राज्य में पृथ्वी पर रहेंगे, कितना ग्रुप, नंबर वन, यीशु को सुनने के बाद भी जो विश्वास नहीं करेंगे इधर ही रहेंगे, वे यीशु के साथ स्वर्ग, करेक्ट है ना। अब यीशु को सुनने के बाद भी विश्वास नहीं करते हैं वे जाएंगे क्या, नहीं, वे इधर ही रहेंगे, वे पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप कौन है मसीह राज्य में पृथ्वी पर रहने वाले, दूसरा ग्रुप कौन है, पीछे हटे गए विश्वासी लोग, मेरा पीछे बोलो, पीछे हटे गए विश्वासी लोग,
वे भी इधर ही रहेंगे, समझ गए। पहला ग्रुप कौन है? यीशु को सुनने, मेरे पीछे यीशु को सुनने के बाद भी जो विश्वास नहीं करेंगे इधर ही रहेंगे। दूसरा ग्रुप कौन है? पीछे हटे गए विश्वासी लोग। अभी देखो आप यीशु पर विश्वास रखा है, बपतिस्मा हो गया है और प्रार्थना कर रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, चर्च को रविवार आते हैं ना, ओके सब ठीक है, लोगों को यीशु के बारे में बताते हैं, लेकिन यीशु का आगमन के समय में एक सिनेमा देखकर बैठे, क्या हो जाएगा? आवाज नहीं ना। अभी एक क्वेश्चन, क्या जी ब्रदर जी, सिनेमा देखने गलत है क्या, पाप है क्या? करेक्ट है ना। अब देखो, केवल अपना चर्च नहीं, कितना भी चर्च में विश्वास लोग जब पहला यीशु पर विश्वास रखे थे, बपतिस्मा लिए थे, तब यीशु के लिए पवित्र जीवन करते थे और करेक्ट चर्च को जाते थे, विश्वास में स्ट्रांग रहते थे, लेकिन क्या हो गया, दिन जाता जाता, महीना जाता जाता, वर्ष जाता जाता, सिनेमा देख कर चर्च को भी छोड़ दिए, यीशु को भी छोड़ दिए। ऐसे विश्वास लोग है क्या? नहीं है ना। और कुछ लोगों के मन में ऐसा है कि ब्रदर जी हम तो सिनेमा नहीं देखेंगे, केवल क्या देखते हैं, सब बोलो ना, आपको मालूम है क्या, सिनेमा से सीरियल बहुत डेंजर है। क्यों? हाँ, इधर क्या हो गया, अभी आया है, ठीक है, बैठ जाइए भाई बहनी लोग, बच्चे लोग बैठ जाइए, आवाज नहीं करना, वचन को डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, जल्दी से जल्दी बैठ जाए ना, और मत बोलना, ठीक है। तो सिनेमा से सीरियल बहुत डेंजर है। क्यों? सिनेमा आपको 3 घंटा में छोड़ देगा, लेकिन सीरियल करेक्ट है ना, 3 साल होगा तो भी। मैं आपको बताता हूं, टाइम वेस्ट लाइफ वेस्ट, हमें टाइम वेस्ट केवल लाइफ नहीं, एवर लास्टिंग लाइफ वेस्ट हो जाएगा, नित्य जीव वेस्ट हो जाएगा, समझ गए। हाँ, अभी सीरियल बहुत डेंजर हो गया। ओ, गर्भवती इधर है ना, इर्कमा, ओके। तो अभी सीरियल है ना, बहुत डेंजर, सब बुरा, जो बुरा बुद्धि है उधर से सीखते हैं लोग, अच्छा एक भी नहीं सीख है क्या, अच्छा एक तो है क्या, इसलिए सावधान। केवल सिनेमा सीरियल नहीं, यीशु का आगमन तक आप लोग पवित्र जीवन किया है, यीशु का आगमन के समय में एक सिनेमा सीरियल, इंटरनेट में बुरा देखने, मोबाइल में बुरा देखने, शराब कैनी बीड़ी सिगरेट व्यभिचार, कोर्ट केस, परमेश्वर का बच्चे लोग कोर्ट केस नहीं जाना, यीशु नहीं बोला, यीशु क्या बोला, जो अपना बैरी है रास्ते में उनके साथ क्या करना, हाँ मिल जाना, समेत होना, कोर्ट केस जाने के लिए यीशु किधर भी नहीं बोला, यीशु क्या बोला, एक दूसरों को क्षमा करो, एक दूसरों को छोड़ दो। हम कोर्ट केस जाने के लिए एक ही कारण है, क्या एक ही कारण, परमेश्वर का वचन के लिए कड़ा हो सके। आप रास्ते में कड़ा होकर लोगों के यीशु के बारे में बोल रहा है, इसलिए आपको मारपीट करके पुलिस स्टेशन में डालकर कोर्ट में कड़ा किया है, उसलिए जाकर कड़ा हो सके, परमेश्वर का वचन के लिए, हालेलुया। दूसरा कुछ भी कारण, धन दौलत के लिए, पैसा के लिए झगड़ा करके कोर्ट केस नहीं जाना, हम एक दूसरे को छोड़ देना, एक दूसरे को क्षमा करना, केवल उतना नहीं, लोन नहीं करना, कर्जा,
घर का लोन, गाड़ी का लोन और ऐसा कुछ तो लोन करके बैठे हैं, यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे। इस बाइबल बोला है तुम लोग कर्जा नहीं लेंगे, कर्जा इसलिए लाख लाख रुपए देना झगड़ा करके पैसा ऐसा भी नहीं करना, समझ गए? कोई 10,000 रुपए मांगेंगे क्या? 1,000 रुपए देना, जब देंगे प्रार्थना करना प्रभु फिर से देगा तो भी धन्यवाद, नहीं देगा तो भी धन्यवाद। लाख लाख रुपए देना झगड़ा करके बैठना ऐसा नहीं करना, जितना होगा उतना हेल्प करना, जब हेल्प करेंगे छोड़ देना, वापस देगा तो भी परमेश्वर को धन्यवाद, नहीं देगा तो भी परमेश्वर को धन्यवाद, उतना में हेल्प करना, सावधान रहना। लेकिन आप लोग नहीं लेना कर्जा, किसी का हाथ से 1 रुपए भी आप कर्जा नहीं लेना। यदि कर्जा है तो यीशु का आगमन में आप स्वर्ग जाएंगे, शैतान क्या बोलेगा आपको मालूम है कि किधर जा रहा है ना, लोगों को देने पहला दे बाद में जा। नहीं, मैं बाद में मैं आपको बताता हूँ। आपका मन में हो सके, आपका मन में हो सके ब्रदर जी हमको इतना डीप वचन मालूम नहीं, लेकिन हम ऑलरेडी लोन किया है, लिया है, हम क्या करना, चिंता मत करो लोन से कैसा बाहर आना, बाइबल में रास्ता है, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिर से लोन नहीं करना। एटलीस्ट जो बच्चे लोग हैं, जो बच्चे लोग हैं, जवान लोग हैं, जीवन में कभी भी दूसरों का हाथ से पैसा नहीं लेना, लोन नहीं करना, इवन एजुकेशन लोन भी नहीं करना। कुछ भी आपको चाहिए क्या, घुटने टेकना यीशु के साथ, यीशु के सामने, बस आपका भविष्य यीशु किधर तो लेके जाएगा। हालेलुया। मैं आगे जाता जाता आपको क्लियर करता हूं, ऑलरेडी जो लोग लोन लिए हैं चिंता मत करो, उधर से बाहर कैसा आना बाइबल में रास्ता है, मैं दिखाऊंगा, लेकिन फिर से नहीं करना, नहीं करना, ठीक है? मतलब यीशु का आगमन तक आप पवित्र जीवन किया है, लेकिन यीशु का आगमन का समय में एक सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट, सेलफोन, शराब, बीड़ी, कैनी, व्यभिचार, कोर्ट केस, लोन, ऐसा कुछ तो आप करके बैठेंगे, यीशु आपको छोड़कर चला जाओ। मशहूर दिन में पृथ्वी पर रहने वाले दो ग्रुप, पहला ग्रुप कौन है सुनने के बाद भी, दूसरा ग्रुप कौन है पीछे हटे नहीं है, विश्वास। ये दोनों ग्रुप मशहूर के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे, और जो लोग मशहूर के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे उनके ऊपर यीशु मसीह खुद स्वर्ग से 21 विपत्तियां भेज देगा। कितना विपत्तियां भेज देगा? हाँ, जो मसीह के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे उनके ऊपर इस स्वर्ग से 21 विपत्तियां, उन 21 विपत्तियां प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 3 विभाग करते हैं। कितना विभाग? इधर देखो कैसा, 7 मोहरों की विपत्तियां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 मोहरों की विपत्तियां, 7 तुरहिया की विपत्ति, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तुरहिया की विपत्तियां, 7 कटोर की विपत्तियां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कटोर की विपत्तियां। मेरे पीछे बोलेंगे 21 विपत्तियां क्या है, 3 विभाग आपको मैं सिखाता हूं, सब लोग मेरे पीछे बोलना, बोल बोल कर सीखना, आमेन। ओके, मेरे पीछे बोलो, 7 मोहरों की विपत्तियां, 7 तुरहिया की विपत्तियां, 7 कटोर की विपत्तियां, टोटल कितना हो गया है विपत्तियां 21। लेकिन पूरा 7 साल को बाइबल 2 विभाग करते हैं, पूरा 7 साल को बाइबल कैसा 2 विभाग, पहला 3.5 साल, दूसरा 3.5 साल, सब बोलो। अभी पहला 3.5 साल में क्या क्या होने वाला है, दूसरा 3.5 साल में क्या क्या होने वाला है, ठीक से सुनो। 7 मोहरों की विपत्तियां, 7 तुरहिया की विपत्तियां, दोनों मिलकर पहला 3.5 साल, पहला 3.5 साल को बाइबल कहते हैं संकट का समय, सब बोलो। केवल 7 कटोरे की विपत्तियां, 7 कटोरे की विपत्तियां, दूसरा 3.5 साल, दूसरा 3.5 साल को बाइबल कहते हैं महा
संकट का समय। पहला 3.5 साल क्या है? सब बोलो जोर से बोलो। दूसरा 3.5 साल क्या है? ठीक है, यीशु अभी आया तो हम कैसा स्वर्ग जाएंगे, उसके बाद मसीह राज्य दुनिया में कैसा शुरू होने वाला है अभी हम देखेंगे। 1 थिस्सलुनियंस 4:16-18 कोई बाइबल खोलने के लिए जरूरत नहीं, इधर बेटी है और बेटी के पास माइक दिया है, वो बाइबल पढ़ेंगे, आप सिर्फ सुनेंगे तो बस हो गया। ठीक है, हाँ पढ़ो बेटी। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, इधर देखो, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, हाँ, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, हाँ, और जो मसीह में मरे हैं, अभी जब यीशु आएगा तब जो मसीह में मरे हैं, हाँ, वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। अभी जब यीशु आएगा जो मसीह में मरे हैं, यीशु पर विश्वास रखकर मरे हैं, वे लोग पहला जी उठेंगे। आगे बढ़ेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, नेक्स्ट सेकंड हम पहला कौन जी उठेंगे? जो मसीह में मरे हैं। नेक्स्ट सेकंड हम जो जीवित बचे रहेंगे जिंदा रहेंगे, प्रभु में जिंदा रहेंगे, अपना शरीर बदल जाएगा। पहला जो मसीह में मरे हैं वे पहला जी उठेंगे। नेक्स्ट सेकंड हम बोले तो कौन? रास्ते में जाने आने वाले नहीं, हम बोले तो विश्वासी लोग, अपना शरीर बदल जाएगा, अपना शरीर बदल होकर, हाँ, बचे रहेंगे उनके साथ। नहीं, बचे रहेंगे उनके साथ नहीं, ऐसा है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, अपना शरीर बदल जाएगा, बदल होकर बचे रहेंगे। नहीं, वो तो जो पड़ा है पीछे नहीं जाना। फिर से पढ़ो बेटी, पहला से पढ़ो पूरा मन इधर लगाना। पहला से पढ़ो क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुर ही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, हम बोलते विश्वास, अपना शरीर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। कीड़ा है ना, मुझे ज्यादा प्रेम करते हैं। जी ओके, देखेंगे। हाँ, सो नेक्स्ट सेकंड अपना शरीर बदल हो जाए, बदल होकर उनके साथ जी उठ कर आए ना, उनके साथ हम भी मिलकर बादलों पर उठा लिए जाएंगे आप थोड़ा फास्ट, कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। यीशु अभी आने वाला है, अभी जब यीशु आएगा पहला कौन उठेंगे? बच्चे बोलो। अरे बेटा पहला कौन उठेंगे? हाँ देख, बोला ले, यीशु अभी आएगा तो पहला कौन उठेंगे? जो मसीह में बच्चों के लिए ढाले बजाइए। अभी जब यीशु आएगा जो मसीह में मरे हैं पहला जी उठेंगे। नेक्स्ट सेकंड अपना शरीर क्या हो जाएगा? जवान लोग बोलो, क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जो उठ कर आए और जो बदल गए दोनों इकट्ठा होकर इसके साथ किधर जाएंगे? इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ
रहेंगे। हालेलुया। ठीक है, अम्मी मैं फिर से आपके पास पूछता हूँ, सब लोग मुझे जवाब देना, जो पीछे बैठे हैं मुख खोलना और मुझे जवाब देना। हाँ, ये तो थोड़ा अंधार है, मैं तो आपका मुख नहीं देख सक रहा हूँ, कल एक बल्ब लगाएंगे तो, लेकिन यीशु आपको देख रहा है, आमेन। इसलिए आप बोल बोल कर सीखना है। हालेलुया। यीशु अभी आएगा तो पहला कौन उठेंगे, बोलो साहब, जो मसीह में। हाँ, किधर से उठेंगे? कब्र से नहीं उठेंगे, कब्र से। हाँ, अपना घर में, अपना घर में मरे हुए लोगों को कब्र में रखा है ना, उस कब्र के ऊपर लिख कर रखना क्या वे उधर नहीं है। मरे हुए लोग कब्र में नहीं। ठीक है, तो यीशु अभी आएगा तो मसीह में मरे हुए लोग किधर से उठेंगे, अभी मैं आपको बताता हूं। इधर देखो, ये पूरा बाइबल है, ये सब हम देखने वाले हैं, पूरा बाइबल उत्पत्ति से लेकर और प्रकाशित एंड तक, दुनिया के एंड तक है। चिंता मत करो, ये चार्ट मैं आपको भेज देता हूँ, ये भी मैं आपको भेज दे, ये भी भेज देता हूँ, ये भी भेज देता हूँ, दोनों आपको मिल जाएगा। लास्ट डे में भेज, आप अपना मोबाइल में मैं भेज दूंगा, लास्ट टाइम ही मैं भेज दिया है, सो फिर से भी आपको चाहिए तो मैं भेज देता हूँ। अभी हम देख रहा है 7 साल मसीह अधिक राज्य, ये फुल बाइबल में 7 साल मसीह अधिक राज्य किधर है, देखो 7 साल मसीह के विरुद्ध, केवल इतना हम इतना बड़ा करके देख रहा, 7 साल मसीह के विरोधी कर, इतना बड़ा करके देख रहा है ये, इतना बड़ा फुल बाइबल में केवल इतना है। और हम देखने वाले हैं 7 साल मसीह विरोधी राज्य के, पहला क्या क्या हुआ, बाद में क्या क्या होने वाला है, स्वर्ग नरक इसका रहस्य क्या, सब हम देखने वाले हैं। आदम हव्वा से अभी तक मरने वाले लोग कोई कब्र में नहीं, किधर जाएंगे, एक तो स्वर्ग लोक जाएंगे, नहीं तो अधोलोक जाएंगे। एक बार स्वर्ग लोक जाएंगे तो नेक्स्ट प्रमोशन स्वर्ग, कब, यीशु का गुप्त आगमन में। एक बार अधोलोक जाएंगे तो नेक्स्ट प्रमोशन किधर, कब, अंतिम न्याय के समय में। सब प्रमोशन कैसा होने वाला है, हम आगे जाता जाता उसको हम देखेंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे कौन कौन स्वर्गलोक जा रहा है, कौन कौन अधोलोक जा रहा है, अभी हम देखेंगे। आपको मालूम है क्या, जब यीशु क्रूस पर था, यीशु का दहिना ओर एक चोर, बाएं ओर एक चोर को क्रूस पर चढ़ाए थे, करेक्ट है ना। एक चोर यीशु को निंदा किया, दूसरा चोर यीशु के पास क्या क्या विनती किया, क्या विनती किया, उसको यीशु क्या बोला, लूक 23:42-43 पढ़ेंगे बेटी, लूक 23:42-43। वो दूसरा चोर यीशु के पास क्या विनती किया देखेंगे, वो चोर भी क्रूस पर है, यीशु भी क्रूस पर है। हाँ, पढ़ेंगे बेटी, हाँ 42-43। तब उसने कहा, दूसरा चोर यीशु से बोला, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, तो मेरी सुधि लेना, मतलब मुझे याद करना, मुझे यह भी, वो चोर भी क्रूस पर है, यीशु भी क्रूस पर है। उसने बोला, जब तू तेरा राज्य में आए यीशु, मुझे याद करना। अभी उसको यीशु क्या बोला, उसने उससे कहा, यीशु उसको बोला, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। किधर होगा? उसी दिन यीशु भी मरा, वो चोर भी मरा, दोनों मिलकर किधर गए, लेकिन तीसरा दिन यीशु जी उठकर किधर गया, जो विनती किया ना चोर, आज तक किधर है। सो अभी यीशु आने वाला है, क्यों आने वाला है हमको ले जाए। अभी जब यीशु आएगा तब पहला कौन उठेंगे, जो मसीह में, किधर से उठेंगे, सब बोलो। पहला क्या बोले थे, अभी क्या बोल रहा है, वचन को जानेंगे, वचन हमको बदल करेगा। हालेलुया।
ठीक। तो अभी जब यीशु आएगा, मसीह में मरे हुए लोग स्वर्ग लोक से जी उठेंगे। अभी अधोलोक के बारे में यीशु क्या बोला उसको हम देखेंगे। लूका 16 अध्याय और 19 वचन से आपको मालूम है क्या, धनवान मनुष्य लाजर सुना है ना, ये क्या कहानी नहीं, सच घटना है। क्यों, इसमें किसका किसका नाम आ रहा, अब्राहम का नाम आ रहा है। अब्राहम था कि नहीं, था कि नहीं, हाँ। मूसा का नाम आ रहा इसमें, मूसा था कि नहीं, ये सच घटना यीशु बोल रहा है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे बेटी। हाँ, सोलह 19 से पढ़ेंगे बेटी। एक धनवान मनुष्य था जो बेजनी कपड़े और मलबल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास के साथ और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल से भरा हुआ। लाजर का शरीर में क्या है, गाँव से भरा हुआ। उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। धनवान मनुष्य का देवड़ी पर, चार लोग लाजर को उठाकर धनवान मनुष्य के देवड़ी पर छोड़ कर गए। क्यों उधर छोड़ कर गए, धनवान है कुछ तो देगा, इसलिए उधर छोड़ कर गए। और वो चाहता था, वो लाजर चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। अभी धनवान मनुष्य मेज पर जब बैठ कर खाना खाएगा, रोटी चपाती और टुकड़ा कुछ तो नीचे गिरेगा, उसको इकट्ठा करके कचरा में फेंकेंगे ना, वो कचरा में गिरा है लाजर, उसको तो खाए। उसका परिस्थिति देखो, ये सच घटना है, सच घटना है, ये कहानी नहीं, सच घटना यीशु बोल रहा है। हाँ, आगे बढ़ेंगे बेटी। हाथ की उंगलियां रखना और पढ़ना। और वो चाहता था, वो लाजर चाहता था कि धनवान की मेज की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। देखो उसका परिस्थिति, देखो लाजर का परिस्थिति, कुत्ते आकर उसका घाव को क्या करते थे, चाटते। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया। कंगाल मर, कंगाल बोले तो कौन, लाजर मर गया। और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर, स्वर्गदूत लाजर का आत्मा को लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अब्राहम की गोद में पहुंचाए, लाजर मरा, उसका आत्मा को कौन लेके गए, सब बोलो, हम भी कल मरने के बाद नहीं उड़ेंगे, हमको उठाकर लेके जाने के लिए स्वर्गदूत लोग हैं, समझ गए। हाँ, कुछ चित्र में, कुछ चित्र करेंगे ना, ऐसा 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 उड़ने जैसा, उड़कर जाने जैसा आत्मा, नहीं, हम मरने के बाद नहीं उड़ेंगे, हमको उठा कर लेके जाने के लिए स्वर्गदूत लोग है, इसलिए इसलिए करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत लोगों को परमेश्वर बना कर रखा है, हम सब के लिए स्वर्गदूत है। हालेलुया। लाजर मरा, उसका आत्मा को स्वर्गदूत लेके गए, किधर छोड़ दिए, सब बोलो, अब्राहम। अब्राहम किधर है, मारे हुए परमेश्वर का दास किधर है, अब्राहम। लाजर मरा, स्वर्गदूत उस लाजर का आत्मा को लेके गए, अब्राहम को गोद में छोड़ दिए। वो धनवान भी मरा। धनवान मरा क्या, धनवान मरा क्या, धनवान भी मरा और गाड़ा गया। उसको क्या किए, गाड़ा गए, फर्स्ट क्लास कब्र में रख दिए। लाजर मरा, सुनो, लाजर मरा उसको गाड़ा गए बोलकर लिखा है क्या, नहीं। कौन गाड़ेंगे जी, वो भीख मांगने वाले को कौन गाड़ेंगे, ऑलरेडी उसका शरीर में क्या है, लाजर को। अब मरने के बाद नजीक जाएंगे तो क्या आएगा, कोई नजीक नहीं जाएंगे, म्युनिसिपैलिटी के लोग आए होंगे दूर से, एक रस्सी से उसका हाथ पाव कैसा भी करके बांध कर खींच कर किधर फेंक दी क्या, नहीं तो जब जिंदा था लाजर कुत्ता कर चढ़ते थे, मरने के बाद छोड़ेंगे क्या, लेकिन मालूम नहीं,
उसका शरीर को क्या हुआ बाइबल में नहीं, लेकिन आत्मा किधर गया? अब्राहम के पास। ला धनवान मनुष्य मरा, उसको गाड़ दिए, फर्स्ट क्लास कब्र में रख दिए। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए किधर गया? किधर गया? अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, पुकार कर बोला, हे पिता अब्राहम मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडी करे। हाँ, एक एक बूंद पानी मेरे जीभ में छोड़ने के लिए, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। ज्वाला में तड़प मतलब अधोलोक में भी क्या है? लेकिन नरक जैसा नहीं, नरक जैसा नहीं। जो नरक जाते हैं ना, उसको परमेश्वर क्या करेंगे, डायरेक्ट ज्यादा आग में डालेंगे, उसको ज्यादा तकलीफ हो जाएगा, इसलिए पहला थोड़ा आग में डालेगा, उधर उधर उसका ट्रेनिंग होने के बाद नेक्स्ट प्रमोशन उधर देगा। ठीक है, आप बाद में देख। अभी धनवान मनुष्य मरा, उसको क्या किए? सब बोलो, कब्र में रखे थे क्या? नहीं, कब्र में रखे थे। उस कब्र में था क्या? किधर गया? समझ गए? कोई मसीह लोग होने दो, अन्य लोग होने दो, कोई होने दो, मरे हुए लोग कब्र में नहीं रहेंगे। इस शरीर परमेश्वर के राज्य को नहीं चाहे। इस शरीर किधर से आया है, फिर किधर से किधर जाएगा? हाँ, इस शरीर स्वर्ग नहीं जाए, वो आत्मा, अपना आत्मा मरने के बाद एक तो किधर जाएगा, नहीं तो किधर जाएगा? कब्र में। इसलिए मरे हुए लोगों को कब्र को कुछ भी नहीं करना। अपना घर में मरे हुए लोगों का आप लोग का गाड़ा है ना, गाड़ा है ना, उस कब्र को साल को एक बार जाना, घुटने टेकना, उधर प्रार्थना करना, कब्र को पेंट लगाना, कुछ तो करके बैठेंगे। मरे हुए लोगों को फायदा नहीं, मरे हुए लोगों का नाम लेकर शैतान आपको भरमाएगा, क्योंकि मरे हुए लोग कब्र में नहीं। मैं आगे जाता जाता आपको वचन के द्वारा क्लियर करूंगा, ठीक है, वचन के द्वारा क्लियर करूंगा। So, आदम हव्वा से अभी तक मरे हुए लोग एक तो स्वर्ग लोक जाएंगे, नहीं तो अधोलोक। एक बार स्वर्ग लोक जाएंगे तो नेक्स्ट प्रमोशन किधर? कब बोलो? यीशु का गुप्ता। एक बार अधोलोक जाएंगे तो नेक्स्ट प्रमोशन किधर? कब बोलो? अंतिम न्याय के समय में। ये सब प्रमोशन कैसा होने वाला है आगे जाता जाता हम क्लियर देखेंगे। लेकिन यीशु अभी आया तो पहला कौन उठेंगे? मरे हुए लोग उठेंगे। हाँ, मसीह में मरे हुए लोग उठेंगे, बाकी मरे हुए लोग अभी नहीं उठेंगे, अंतिम न्याय के समय में उठेंगे। समझ गई है? अभी जब यीशु आएगा, मसीह में मरे हुए लोग पहला उठेंगे। किधर से उठेंगे? सब बोलो, स्वर्ग लोक से उठेंगे। अभी जब यीशु आएगा तब यीशु में मरे हुए लोग पहले जी उठेंगे, स्वर्ग लोक से उठेंगे। नेक्स्ट सेकंड यीशु में जिंदा रहने वाले हम बदल जाएंगे, अपना शरीर बदल जाएगा, दोनों ग्रुप यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे। हम पहला तो देखा है स्वर्ग लोक के बारे में, अपना शरीर कैसा बदलेगा, अपना शरीर कैसा बदलेगा। एक उदाहरण अभी देखो, पति पत्नी दोनों बाइक में जा रहा है, समझो पहला आपको बोला है, फिर भी एक रिविजन में बोलता हूं। पति पत्नी दोनों बाइक में जा रहा है, पति है विश्वासी, पत्नी नहीं, 60 किलोमीटर स्पीड में बाइक जा रहा है, पति विश्वासी, जाता जाता यीशु आया, पति के पत्नी बाइक क्या करेंगे? क्या करेंगे? पत्नी क्या करेगी? आओ, हाजी 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 चला गया जी,
पति पत्नी दोनों खाने के लिए बैठे हैं, खाने के लिए बैठे, पत्नी विश्वासी पति नहीं, पति खाने के लिए बैठा, अविश्वासी पति बैठा है खाने के लिए। विश्वासी पत्नी को बोला थोड़ा सब्जी लेकर आ, बोला विश्वासी पत्नी गई सब्जी लाने, किधर गई, किचन को गई, वो तो विश्वास किचन को गई, ईश्वाया उधर से उधर गई, अभी पति प्लेट लेकर बैठा है किसके लिए, सब्जी के लिए। दो मिनट हो गया, पांच मिनट हो गया, बीपी बढ़ रहा है, चिल्लाने के लिए शुरू किया, ए डार्लिंग डार्लिंग बीरलिंग नहीं, चली गई, बस जा रहा है, बस जा रहा है, पैसेंजर सब बैठे हैं, 80 किलोमीटर स्पीड में बस जा रहा है, ड्राइवर विश्वासी, जाता जाता ये सोया ड्राइवर, पैसेंजर बस क्या हो जाएगा, एरोप्लेन जा रहा है, पायलट विश्वासी, ये सोया पायलट गया, एरोप्लेन क्या हो जाएगा, यीशु अभी आया, पास्टर ऐसा चर्च शुरू है, रविवार चर्च शुरू है, पास्टर हाथ में बाइबल पकड़कर बोल रहा है, बोलते बोलते यीशु आया, पास्टर का शरीर बदल गया, और जब अपना शरीर बदल गया अपना पुराना कपड़ा इधर ही गिरेगा, लेकिन यीशु हमको सफेद कपड़े देगा, अपना आत्मिक शरीर को यीशु क्या देगा, ब्रदर जी आत्मिक शरीर कैसा रहेगा, आपको मैं बोलता हूँ आगे जाता जो आश्चर्य हो जाए, अचंभा हो जाएंगे, क्या परमेश्वर का वचन है, हालेलुया। हाँ, इधर हम जैसा है वैसा ही हम स्वर्ग में रहेंगे, लेकिन स्वर्ग में हमको वंश नहीं, वंश बाकी सब, हम स्वर्ग जाने के बाद हम एक दूसरों को बोलेंगे, पहचान करेंगे, खाएंगे जीवन का पेड़ का फल, खाएंगे जीवन का नदी का पानी पिएंगे, और सोने का मकान में रहेंगे परमेश्वर का, तो शरीर कैसा रहेगा स्वर्ग में, आत्मिक शरीर, जाता जाता मैं आपको बताऊंगा, आश्चर्य हो जाएंगे, हालेलुया। ठीक है, जब पास्टर बोलेगा यीशु आया, पास्टर का शरीर बदल हो जाएगा, यीशु के साथ पास्टर जाएगा, उसका हाथ का बाइबल क्या करेगा, नीचे, विश्वास लोग बैठकर सुन रहा है, अच्छा विश्वास लोगों का शरीर क्या हो गया, बदल हो गया, वे गए यीशु के साथ स्वर्ग, जो आधा पाधा विश्वास है ना, हाँ वो इधर ही रहेंगे, वो ऐसा रहने वाले लोग कैसा रोएंगे, जो यीशु के साथ स्वर्ग नहीं गए छोड़ दिए गए वे लोग कैसा रोएंगे, उसके पहले हम देख यीशु आया तो अपना शरीर कैसा बदलेगा, ये देखो ये देखो, एक अंकल है, वो अंकल विश्वासी है, बेंच पर बैठकर चाय पी रहा है, चाय पीता पीता यीशु आया, उसका शरीर बदल गया, वह यीशु के साथ स्वर्ग गया, उसका कपड़ा इधर ही गिरा है। और एक उदाहरण, माँ और बेटी दोनों विश्वासी, घर का गार्डन में बैठकर बोल रहा है, बोलते बोलते यीशु आया, दोनों का शरीर बदल गया, दोनों यीशु के साथ स्वर्ग गए, उनका कपड़ा इधर ही गिरा है। और एक उदाहरण, पप्पा और बेटी, पप्पा विश्वासी बेटी नहीं, बेटी क्या करेगी, मोबाइल में बुरा बुरा देखेगी, बुरा बुरा बोलेगी, बुरा बुरा फ्रेंड्स के साथ घूमेगी, चर्च को नहीं आएगी, बाइबल नहीं पढ़ेगी, पप्पा कितना भी बोला था बेटी को, देख बेटी ऐसा नहीं करना, रविवार चर्च का आना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, और मोबाइल में बुरा बुरा देखना, कितना भी पप्पा बोले लेकिन बेटी तो सुनने के लिए तैयार है। एक दिन पप्पा को गुस्सा आया और घर में बिठाया, बेटी को बिठाया, यीशु के बारे में बोलने के लिए शुरू किया, बोलते बोलते यीशु आया, पप्पा यीशु के साथ, और बेटी रोकर, बेटी क्या करना, रोकर यीशु अभी आया, अपना शरीर कैसा बदल जाएगा, हम कैसा स्वर्ग जाएंगे, जो लोग यीशु के साथ स्वर्ग नहीं गए छोड़ दिए गए वे लोग कैसा रोएंगे, इसको एक छोटा वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद मैं आगे बताता हूं, आपको इसी समझ में आएगा। कहां से गिरा
छोड़ दिए गए विश्वास लोग। कैसा रोते हैं चर्च में। पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया, यीशु से नाता तूने तोड़ दिया। पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया, यीशु से नाता तूने। हाथ में बाइबल है, स्वर्ग नहीं गए। छोड़ दिए गए विश्वास लोग। याद कर तू कहां से गिरा, लौट ला और हमको गिरा। याद कर तू कहां से गिरा, यीशु अभी आया तो कल से देखना पूरा दुनिया गड़बड़ हो जाए। मैं आपको कहानी नहीं बोला, थोड़ा ही दिन में जो होने वाला है आप खुद आंख में देख रहा है। यीशु आज आकर गया, कल से दुनिया में गड़बड़ हो जाएगा। लोग रोएंगे, छाती पीटेंगे। क्या रोएंगे? मेरा घर में पति नहीं, तेरा घर में पत्नी नहीं, मेरा घर में बच्चे नहीं, तेरा घर में माँ बाप नहीं, इधर एक्सीडेंट उधर एक्सीडेंट। क्यों? जो विश्वास किए, पवित्र जीवन किए, यीशु के साथ स्वर्ग गए। जो पवित्र जीवन नहीं किए, विश्वास नहीं किए, रह गए। और जो रह गए और उनका भविष्य कैसा हो जाएगा, आगे जाता जाता हम देखने वाले हैं। यीशु आज आकर गया, कल से सब न्यूज पेपर में आएगा। क्या आएगा? मल्टीट्यूड्स मिसिंग, करोड़ों करोड़ों लोग दुनिया में लापता हो गए। अमेरिका, चीना, जापान, इंडिया, पूरा दुनिया में सब देश में करोड़ों करोड़ों लोग लापता हो। यदि आप लोग इस समाचार, मतलब करोड़ों करोड़ों लोगों को लापता हो गया बोलकर, यदि आप लोग पेपर में पढ़ेंगे, न्यूज में देखेंगे, तो क्या समझना? ईश्वर केवल उतना नहीं, करोड़ों करोड़ों लोगों को लापता हो गया बोलकर यदि आप लोग पेपर में पढ़ेंगे तो आप इधर ही है। समझ गए? समझ गए? हाँ, यदि आप लोग ही इस समाचार को पढ़ेंगे तो आप किधर है? क्या हो गया? सिनेमा सीरियल देखकर बैठ गए? अभी मैं आपके आपके पास पूछता हूँ, करोड़ों करोड़ों लोगों का लापता हो गया बोलकर ये समाचार आप लोग पेपर में पढ़ना चाहेंगे क्या, या ना पढ़कर यीशु के साथ स्वर्ग जाना चाहेंगे? क्या चाहे आपको बोलो, सब लोग बोलो सब। मैं क्यों आपको बोलने के लिए कहता हूँ, बाइबल में लिखा है जीवन मरण दोनों किधर है?
आप जैसा बोलेंगे वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आपको क्या चाहिए बोलो, यीशु के साथ जाना चाहेंगे क्या या ये पढ़ना चाहेंगे क्या? आप जैसा बोले वैसा ही यीशु आपको आशीष करे, यही मेरा प्रार्थना है, यही मेरा प्रार्थना है। और जितना लोग आप आए हैं ना, छोटा बच्चे से पकड़कर बड़ा लोग तक, आप सब लोग, माँ बाप बच्चे सब, आप लोग परिवार परिवार के साथ यीशु के साथ स्वर्ग जाना है। हालेलुया, यही यही मेरा प्रार्थना, यही केवल उतना नहीं, कल से अभी अभी आप तो आज तो एक दिन निकल गया है, कल से 7 दिन है। जितना लोगों को आप लोग इधर लेके आए, उनको पैसा देकर, गाड़ी खर्च देकर कि कुछ भी करके, और कोई रहने दो, अन्य लोग रहने दो, कोई कोई अपना मित्रों लोग रहने दो, और स्कूल कॉलेज जहां आप लोग काम करते हैं वो अन्य कोई रहने दो, आने वाला 7 दिन अपना पड़ोसी लोगों को, मैत्रिणी मित्र लोगों को यदि आप लोग इधर लाएंगे, इधर लाएंगे आगे 7 दिन को, उनका आप लोग स्वर्ग में देख सकेंगे। हालेलुया, हाँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीवन है, परमेश्वर के वचन में क्या है, जीवन। आप उनको बोलेंगे तो वो नहीं सुनेंगे, लेकिन इधर आकर बिठाइए, वचन काम करेगा, वो उनका जीवन बचाव हो जाएगा। हालेलुया। तो अभी आने वाला यीशु के साथ हम स्वर्ग जाने के बाद पृथ्वी पर किसका राज्य होगा बोलो, सब बोलो, मसीह विरोधी का राज्य। कितना साल? 7 साल मसीह विरोधी के राज्य में पृथ्वी पर। अतः अभी मुझे बच्चों लोग बोल, बड़ा लोग नहीं बोल, मसीह विरोधी के राज्य में पृथ्वी पर 2 ग्रुप लोग रहेंगे, कौन बोलो, बच्चों लोग बोलो, मसीह विरोधी के राज्य में पृथ्वी पर 2 ग्रुप लोग रहेंगे। ओ बच्चे लोग, कल से बच्चे लोग इधर आना सब लोग, ओके बच्चे बोलो, मसीह विरोधी के राज्य में पृथ्वी पर रहने वाले 2 ग्रुप लोग कौन है? तो? क्या बेटी कौन है? जवान लोग बोलो, पहला ग्रुप कौन है मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी पर रहने वाले, पहला ग्रुप कौन है? यीशु को सुनने के बाद भी जो विश्वास इधर ही रहे। दूसरा ग्रुप कौन है? जो पीछे हट गए विश्वास इधर ही, और उनके ऊपर यीशु मसीह खुद स्वर्ग से कितना विपत्तियां भेज देगा, हाँ कितना विपत्तियां, उनमें पहला विपत्तियां, पहला मोहर। जब यीशु मसीह पहला मोहर को लेगा तब क्या होने वाला है? छठवां अध्याय प्रकाशित वाक्य छठवां अध्याय पहला वाक्य से आगे बढ़ेंगे। जब यीशु मसीह, ओके अभी मैं इनडायरेक्ट आपके पास एक प्रश्न पूछता हूँ, ओके इनडायरेक्ट आपके पास एक प्रश्न पूछता हूँ, हमको अप टू 8:30 तक समय है, ठीक है, अभी बीच में आपको एक छोटा ब्रेक चाहिए क्या? ब्रेक करके, ठीक है ठीक है। सो अभी मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, उसके बाद मैं पास्टर के हाथ में देता हूँ, 10 मिनट लेंगे, वो आपको थोड़ा बाहर जाकर आने के लिए पास्टर बोलेंगे, तब आप पर बाहर जाना, तब तक नहीं जाना। वो एक प्रश्न पूछकर मैं पास्टर के हाथ में देता हूँ, हाँ बच्चे लोग मुझे बोलना, ठीक है, ये बच्चे लोग मुझे बोलना, जब मसीह विरोधी राज्य पृथ्वी पर होगा, जब मसीह विरोधी राज्य पृथ्वी पर होगा तब हम लोग किधर रहेंगे, तू बोल, जब मसीह विरोधी राज्य पृथ्वी पर होगा तब हम किधर रहेंगे, किधर? स्वर्ग लोग तो उठ रहे हैं स्वर्ग में, उठ 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 रहे, उधर उधर घूमकर बोल, किधर किधर रहेंगे? स्वर्ग में, क्योंकि यीशु का आगमन में पहला स्वर्ग लोग उठकर जाएंगे, अपना शरीर बदल जाएगा,
सो जब मसीह मसीह राज्य पृथ्वी पर होगा तो हम किधर रहेंगे? किधर रहेंगे? स्वर्ग में। तेरा नाम क्या रहे? अय्यूब। सुपर। अय्यूब के लिए ताले बजाएंगे। वेरी गुड, वेरी। बैठ जा, बैठ जा। तो जब मसीह का जो पृथ्वी पर होगा तब हम किधर रहेंगे? स्वर्ग में रहेंगे। और जो मसीह के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे, दो ग्रुप, यीशु को सुनने के बाद मुझे विश्वास पीछे हटेगा, ये उनके ऊपर यीशु स्वर्ग से कैसा विपत्तियां भेज देगा। एक 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 बोलकर हम देखेंगे। उसके पहले मैं पास्टर के हाथ में एक 10 मिनट देता हूं। और पास्टर जब आप जो लोग मसीह के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे, अभी आने वाले यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे, मसीह के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे, उनके ऊपर यीशु मसीह खुद कितना विपत्तियां भेज देगा अभी हम देख रहे हैं। कितना विपत्तियां? उनमें पहला विपत्तियां, पहला मोहर, पहला मोहर। फिर से मैं आपके पास पूछता हूं, आप सब लोग मुझे जवाब देना। जब मसीह के दिन मसीह राज्य पृथ्वी पर शुरू हो जाएगा, उस समय में हम सब लोग किधर रहेंगे? सब बोलो, आप जैसा बोल है? स्वर्ग लोक का ईश्वर का आगमन में पहला स्वर्ग लोक का लोग उठेंगे, करेक्ट है ना? नेक्स्ट अपना शरीर, दोनों ग्रुप स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग लोक में किधर रहेंगे? स्वर्ग लोक तो पहला उठ कर आएगा ना, समझ गए? जब मसीह के राज्य पृथ्वी पर होगा तब हम सब लोग किधर रहेंगे? स्वर्ग में रहेंगे, समझ गए? ओके। और जो मसीह के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे उनके ऊपर यीशु मसीह खुद स्वर्ग से 21 विपत्तियां भेज देगा, उनमें पहला विपत्तियां, पहला मोहर। जब यीशु मसीह पहला मोहर खोलेगा तब क्या होगा? छठवां अध्याय प्रकाशित वाक्य, छठवां अध्याय पहला वचन से आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन सात, एक मिनट, हाँ बेटी का माइक, हाँ आवाज कम करना और ट्रिपल कम करना, थोड़ा बेस बढ़ाना। प्रेज लॉर्ड बोलो बेटी, प्रेज लॉर्ड। हाँ हाँ ओके, फिर से पढ़ो। फिर मैंने देखा, ओके एक मिनट, हाँ थोड़ा और थोड़ा कम करना, हाँ बेस बढ़ाना। हाँ फिर से प्रेज लॉर्ड बोलो बेटी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ फिर से पढ़ो। हाँ फिर मैंने देखा, फिर मैंने देखा, मैंने बोला तो कौन देखा? यूहन्ना, क्योंकि ये सब दर्शन किसको हो रहा है? यूहन्ना को हो रहा है। जब मैंने देखा, यूहन्ना देखा तो कि मेमने ने उन सात मुहरों में से एक को खोला। मेमना उन सात मोहरों में से एक को खोला। मेमना बोले तो कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह। पुराना नियम में लोग क्या करते हैं, इज़राइल लोग पाप निवारण के लिए एक मेमना लेके जाएंगे। मेमना बोले तो हा बकरी का छोटा, उसको क्या बोलेंगे? पिल्लू, बच्चा, बकरी का बच्चा, बच्चा उसको बोलेंगे मेमना। हाँ थोड़ा धनवान है तो मेमना लेके जाएंगे, गरीब है तो एक कबूतर लेके जाएंगे। जो लोग पाप किए तो वो एक मेमना लेके जाएंगे मंदिर में जाकर। उधर याजक वंश कौन है? मूसा कन्ना, कौन? आरोन, आरोन का वंश रहेंगे, वो याजक लोग हैं। उधर जाकर मेमना को बलिदान करेंगे तब उनका पाप परिहार हो जाएगा, निवारण हो जाए। अभी भी दुनिया में लोग करते हैं ना, मंदिर में बकरी काटते हैं, काटते हैं ना, मुर्गी काटते हैं, उनका लहू बहाते हैं, और नींबू काटते हैं, नारियल तोड़ते हैं, उसका पानी बहाते हैं। क्यों? बकरी और पक्षी का, मुर्गी का लहू बहाएंगे, नींबू नारियल का पानी बहाएंगे, लोगों का पाप क्षमा हो जाएगा बोलकर। एक विश्वास, एक विश्वास। लेकिन आपको मालूम है क्या, अभी दुनिया का लोग बकरी का लहू और मुर्गी का लहू बहाने के लिए जरूरत, और नारियल का पानी, नींबू का पानी बहाने के लिए जरूरत, क्यों?
यीशु मसीह खुद पृथ्वी पर आया, सब दुनिया के लोगों को लिए खुद का लहू बहाया, खुद का शरीर का पानी बहाया। आपको मालूम है क्या, मनुष्य के शरीर में पानी भी है, पानी भी है। यीशु मसीह खुद उसका लहू बहाया, शरीर का पानी बहाया अपना पापा निवारण करने के लिए। हालेलुया। इसके बाद बकरी मुर्गी का लहू का जरूरत नहीं, और लींबू नारियल का पानी का जरूरत। आप अपना के लिए जो लहू बहाया, शरीर का पानी बहाया यीशु पर विश्वास रखेंगे, बस अपना पापा निवारण फ्री में हो जाएगा, कोई रहने दो दुनिया में। हालेलुया। सो वो मेमना बोलेंगे तो यीशु अपना के लिए लहू बहाया। हाँ, वो मेमना यीशु मसीहा अपने के लिए लहू बहाए हुए, प्राण दिए हुए मेमना, उन सात मोरों से एक को खोला। अभी आने वाले यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग जाने के बाद मसीह उर्द के दिन में जब यीशु मसीह पहला मोहर खोला, यूहन्ना देखा मेमना, हाँ, सात मोहर में से एक को खोला, हाँ यीशु खोला, हाँ। और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन सा शब्द सुना। अभी स्वर्ग में जब यीशु मसीह पहला मोहर खोला, स्वर्ग में चार प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। अभी स्वर्ग में हम देख रहा है चार प्राणी है, क्या है तो और कौन कौन है स्वर्ग में? अभी हम देख रहे हैं चार प्राणी और कौन कौन है स्वर्ग में, कौन कौन है, इसको समझने के लिए एक चित्र आपको मैं दिखाता हूं, उसके द्वारा मैं सिखाता हूं, ठीक से उसको आप याद रखेंगे, पूरा बाइबल आपको इसी समझ में आएगा, केवल प्रकाशित वाक्य नहीं, पूरा बाइबल समझ में आएगा। अभी देखेंगे स्वर्ग में कौन कौन है, देखेंगे। हे देखो, चार प्राणी, 24 प्राचीन, इधर 12 इधर 12, 24 प्राचीन, और परमेश्वर का सिंहासन, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत लोग, परमेश्वर का मंदिर, ये सब कुछ स्वर्ग में है। अभी मैं आपको सिखाता हूं, सब लोग मेरा पीछे बोलना, इसको आप याद रखेंगे, पूरा प्रकाशित वाक्य आप क्लियर समझ में आए। हालेलुया। मेरा पीछे बोलेंगे, बोल बोल कर सीखेंगे। ओके, मेरा पीछे, स्वर्ग में कौन कौन है? चार प्राणी, 24 प्राचीन, परमेश्वर का सिंहासन, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत लोग, परमेश्वर का मंदिर, ये सब कुछ स्वर्ग में है। अभी आने वाले यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग जाने के बाद मसीह के दिन में जब यीशु मसीह पहला मोहर खोलेगा, स्वर्ग में चार प्राणियों में से एक यूहन्ना को बोल रहा है। हाँ, पढ़ेंगे बेटी, आ यूहन्ना, आ जो आगे होने वाला है तेरे को दिखाता हूं। आ, मैंने दृष्टि की, कौन दृष्टि की? वेरी गुड, यूहन्ना दृष्टि की, और देखो एक श्वेत घोड़ा है, एक सफेद घोड़ा। जब यीशु मसीह पहला मोहर खोला, सफेद घोड़ा। अभी मैं इसको बड़ा करता हूँ, पहला मोहर को बड़ा करता हूँ। हाँ, जब यीशु मसीह पहला मोहर खोला, सफेद घोड़ा, सफेद रंग किसको तुलना कर रहा है? शांति को दिखा रहा है। ये सब वचन इधर है, पीस बोलेंगे तो शांति। मसीह क्या करेगा? शांति शांति बोलकर उसका राज्य शुरू करेगा। अभी आने वाले यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग जाने के बाद, अभी आने वाले यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग जाने के बाद जो लोग छोड़ दिए जाएंगे दुनिया में, वे लोग रोएंगे क्या? नहीं रोएंगे ना। तब मसीह क्या करेगा? टीवी में बोलेगा, पेपर में बोलेगा, न्यूज़पेपर में बोलेगा, क्या बोलेगा? जितना लोग गायब हो गए जाने दो, जितना लोग है दुनिया में चिंता मत करो, कोई रोने के लिए जरूरत नहीं। मैं आपको खाना देता, मैं आपको कपड़ा देता, घर देता, पैसा देता, खाना सब कुछ देता, शांति शांति, कोई मत रोना,
शांति शांति बोलकर मसीह विरोधी उसका राज्य शुरू करेगा। इसलिए हम देख रहा है सफेद घोड़ा। आगे बढ़ेंगे बेटी। और उसका सवार धनुष लिए हुए है। उसका हाथ में क्या है बोलो? धनुष। किसका हाथ में रहेगा? जो जय पाएगा उसका हाथ में धनुष रहेगा। मतलब मसीह विरोधी क्या करेगा? जय पाने वाला, पूरा पृथ्वी पर जय पाने वाला, ऐसा उसका राज्य शुरू करेगा। उसके लिए वचन प्रकाशित वाक्य 13:7-8 पढ़ेंगे बेटी, फिर से उधर जाएंगे। प्रकाशित 13:7-8, ये सब पढ़ने के लिए मुझे टाइम नहीं, इसलिए ना फिर भी मैं पढ़ता। उसे यह भी अधिकार दिया गया, उसे मतलब मसीह विरोधी को यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े। पवित्र लोग कौन है? मसीह विरोधी के दिन में रहने वाले पवित्र लोग कौन है? सिनेमा सीरियल देखकर बैठ गए ना और इसराइल लोग, ये दोनों लोग है जो पीछे हट गए, विश्वासी वे और इसराइल लोग, उनके साथ मसीह विरोधी क्या करेगा? सब बोलो, लड़ेगा, उनसे लड़ेगा और उन पर जय पाए। क्या करेगा और कैसा मार डालेगा आपको मालूम है क्या? इजी पकड़ेगा मसीह विरोधी। यदि आप लोग मसीह विरोधी दिन में पृथ्वी पर रहेंगे आपको इजी पकड़ेगा, एक दिन में पकड़ेगा आपको। लोगों को पकड़ने के लिए सब काम हो चुका है। क्या हो चुका? आगे जाता जाता मैं आपको बताऊंगा, तब आपको मालूम हो जाएगा। और पकड़ कर क्या करेगा मालूम है क्या? जो पीछे हट गए मसीह के लोगों को पकड़ेगा, बाकी लोगों का नहीं, बाकी लोगों का नहीं, मसीह के लोगों जो पीछे हट गए उनको पकड़ेगा। और कुछ लोगों को तलवार से कट करेगा, कुछ लोगों को जिंदा जलाएगा और कुछ लोगों को जेल में डालकर मार डालेगा। 11:23 में लिखा है दानियल में। अभी उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, लेकिन वो परमेश्वर का लोगों को, पवित्र लोगों के ऊपर जय पाने के लिए उसको अधिकार दिया गया। और उसे हर एक कुल, दुनिया में रहने वाले हर एक कुल और लोग और लोग और भाषा भाषा और जाति पर, जाति पर अधिकार दिया गया। पूरा दुनिया को एक ही राजा हो जाएगा मसीह विरोधी, उसको अधिकार दिया गया। आगे जाता जाता हम देखेंगे, अब इधर आएंगे, इधर आएंगे। 4:1 मतलब धनुष किसको तुलना कर रहा है? विक्ट्री, जय पाने वाला, ऐसा होगा उसका राज्य शुरू करेगा। आगे बढ़ेंगे बेटी। और उसे एक मुकुट, और उसे एक मुकुट दिया गया, मुकुट दिया गया है। देखो मुकुट दिया, मुकुट किसको देंगे? राजा लोगों को, लोगों को मुकुट देंगे। मतलब क्या? पूरा दुनिया में एक ही राजा हो जाएगा मसीह विरोधी। रेडी, अभी रेडी ही, अभी रेडी। मसीह विरोधी दुनिया में कौन सा एरिया से आएगा? दानियल पुस्तक में लिखा है, उसको मैं आपको बताऊंगा, आश्चर्य हो जाएंगे। मसीह विरोधी का गवर्नमेंट का नाम आप लोग ऑलरेडी लिया, गवर्नमेंट का नाम, मसीह विरोधी का गवर्नमेंट का नाम, मसीह विरोधी गवर्नमेंट का सील ऑलरेडी दुनिया के बहुत लोग लिए हैं, आप ऑलरेडी लिए हैं। क्या बोल रहा है ब्रदर जी? बताऊंगा मैं आगे जाता जाता, तब आपको मालूम हो जाएगा, तब आपको मालूम हो जाएगा। मतलब क्या? पूरा दुनिया रेडी मसीह के दिन के लिए, लेकिन उसके पहले यीशु आएगा, हमको ले जाएगा। हालेलुया। हाँ, कितना हम निकट आया है यीशु का आगमन के। आगे जाता जाता मैं आपको बताऊंगा, अचंब हो जाएंगे, अचंब हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे बेटी। और वो जय करता हुआ निकला, वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे, और भी जय प्राप्त करे। वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त। जब पहला मोहर यीशु खोलेगा, मसीह भी क्या करेगा? दुनिया के लोगों को शांति शांति बोलकर जय पाने वाला ऐसा पूरा पृथ्वी के लोगों के एक ही राजा होकर उसका राज्य शुरू करेगा। जय पाने वाला वैसा शुरू करेगा उसका राज्य।
और जीएनटी ट्रांसलेशन में लिखा है, गुड न्यूज ट्रांसलेशन लिखा है, मैसूर अधिक राज्य नवा 27 वचन में 7 ईयर्स बोलकर क्लियर लिखा है। बाकी ट्रांसलेशन में तो थोड़ा काउंटिंग करना पड़ेगा, लेकिन जीएनटी ट्रांसलेशन में क्लियर लिखा है, पहला 3.5 साल, दूसरा 3.5 साल और 7 वर्ष उसका राज्य होगा, वो सब जीएनटी ट्रांसलेशन में लिखा है। आगे जाता जाता दानियल पुस्तक जब हम देखेंगे तब हम इसको क्लियर देखेंगे। अभी हम देखेंगे दूसरा मोहर। जब पहला मोहर यीशु खोलेगा, मसीह क्या करेगा, दुनिया के लोगों को शांति शांति बोलकर उसका राज्य शुरू करेगा। जब दूसरा मोहर यीशु खोलेगा तब क्या होगा देखेंगे। अभी मैं दूसरा मोहर को बड़ा करता हूँ, दूसरा मोहर आगे बढ़िए बेटी। हाँ, जब उसने दूसरी मोहर खोली, जब यीशु मसीह दूसरा मोहर खोली, तब मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना। स्वर्ग में दूसरा प्राणी यूहन्ना को देखकर एक बोल रहा है, आ बोल बोल आ यूहन्ना आ आ। फिर एक और घोड़ा निकला, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, जो लाल रंग का था। लाल रंग किसको तुलना कर रहा है? डेंजर, ब्लड। लाल रंग किसको तुलना कर रहा है? डेंजर और ब्लड, लहू। आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया, सुनो सुनो, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, पृथ्वी पर से मेल उठा ले, मेल मतलब क्या, शांति, शांति निकाल दे। उसको सवार को यह अधिकार दिया गया पृथ्वी पर से शांति निकाल दे। हाँ, ताकि लोग एक दूसरे का वध करे, दुनिया के लोग क्या करेंगे, एक दूसरों को वध करे। हाँ, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई, उसे एक बड़ी तलवार दी गई। ठीक से सुनो, परमेश्वर को लोग सुनो, जब पहला मोहर यीशु को लेगा, मसीह दुनिया के लोगों को शांति शांति बोलकर उसका राज्य शुरू करेगा। लेकिन जब यीशु मसीह दूसरा मोहर को लेगा, यीशु खुद पृथ्वी पर से शांति निकाल देगा। दुनिया के लोग क्या करेंगे, एक दूसरों को वध करके मरेंगे, मरेंगे कैसा वध करके मरेंगे। एक वचन हम पुराना नियम में देखेंगे, यशया 13:13 से आगे बढ़ेंगे। फिर से इधर आना है बेटी, यशया 13:13 से आगे बढ़ेंगे। कैसा दुनिया का लोग दूसरा मुहर के बाद दुनिया के लोग कैसा एक दूसरों को वध करके मरेंगे, पढ़ेंगे बेटी। हाँ, इसलिए मैं आकाश को कपाऊंगा। हाँ, मसीहुद के दिन में, मसीहुद के दिन में परमेश्वर बोल रहा है, मैं आकाश को कंपाऊंगा। हाँ, और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी, पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी, पृथ्वी अपने स्थान से क्या हो जाएगा, टल। अभी जो जहां पृथ्वी है उधर से दूसरा जगह में जाकर गिरने वाला है पृथ्वी, मतलब क्या, भूकंप, क्या पूरा दुनिया में भूकंप आएगा। अभी भूकंप आ रहा है इंडोनेशिया में, अभी भूकंप आ रहा है अमेरिका, चीना, जापान, इधर उधर आ रहा है। लेकिन मसीह के दिन में जो भूकंप आने वाला है, इधर उधर नहीं, पूरा पृथ्वी को यीशु पकड़ेगा, हिला हिला कर सब कुछ तोड़ देगा, एक भी मकान नहीं रहेगा दुनिया में, एक भी पहाड़ जो जमीन के ऊपर है, एक भी टापू जो समुद्र में है उस जगह में नहीं रहेगा, सब बाग जाएगा। पृथ्वी को परमेश्वर पकड़ कर हिला हिला कर सब कुछ तोड़ देगा, तोड़ दे। क्यों ऐसा परमेश्वर कर रहा है, इसका कारण क्या, आगे जाता जाता मैं आपको बताऊंगा, बताऊंगा। आगे बढ़ेंगे बेटी। ये सेनाओं के यहोवा के रोज के कारण, और थोड़ा फास्ट मतलब क्या, अच्छा पढ़ रहा है लेकिन स्लो गाड़ी हो रहा है, जा रहा है। ये सेनाओं के यहोवा के रोज के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा, ऐसा पढ़ना, उसके भड़के हुए क्रोध का दिन होगा। मतलब क्या, मसीह के दिन है, परमेश्वर का यहोवा का कौन सा दिन है, सब बोलो, आप लोग इधर नहीं रहना, इसके पहले यीशु के साथ स्वर्ग जाना, क्योंकि मसीह के दिन है, परमेश्वर का क्रोध का दिन है। आगे बढ़ेंगे बेटी। वे खदेड़े हुए हिरन, हरिन, हिरन नहीं, हरिन, हरिन। हाँ, दुनिया, एक मिनट, दुनिया के लोग दूसरा मोहर के बाद, दूसरा मोहर के बाद यीशु पृथ्वी पर से शांति निकाल देने के बाद दुनिया के लोग क्या करेंगे, कैसा रहेंगे,
कदरे हुए हरिन, कदरे हुए हरिन हाँ, या बिन चरवाही की भेड़ों के समान, बिन चरवाहों की भेड़ों के समान अपने अपने लोगों की ओर फिरेंगे। दुनिया के लोग अपने अपने लोगों की ओर फिरेंगे। मसीह के दिन में दूसरा मुहर के बाद यीशु पृथ्वी पर से शांत निकाल देने के बाद लोग कैसा रहेंगे? कदरे हुए हरिन या बिन चरवाहों का भेड़। अभी भेड़ों को चरवाह नहीं तो उस भेड़ों को सुरक्षित है क्या? ऐसा हो जाएंगे दुनिया के लोग मसीह के दिन में दूसरा मुहर के बाद। क्यों? दूसरा मुहर के बाद पृथ्वी पर से शांति कौन निकाल देगा? यीशु निकाल देगा। क्यों? दुनिया के लोग क्या करेंगे? एक दूसरों को वध करेंगे, वध करेंगे। एक का तलवार एक के विरुद्ध परमेश्वर उल्टा कर डालेगा, वध करेंगे, मरेंगे। क्यों? ये परमेश्वर का क्रोध का दिन है, मसीह के दिन। इसलिए आप इधर नहीं रहना, इसके पहले यीशु के साथ स्वर्ग चला है। लोग क्या करेंगे? अपना अपना लोगों को ओर फिरेंगे और अपने अपने देश को भाग जाएंगे। लोग क्या करेंगे? अपना अपना देश को भाग जाएंगे। क्यों भाग जाएंगे? क्यों भाग जाएंगे? एक बार एक आंटी के घर में गया प्रेयर के लिए कर्नाटक में, और उस आंटी के पास में पूछा, आंटी आपका बेटा क्या कर रहा है? उसने बोली, अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बेटी ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर है। अच्छा है। अभी कितना भी मसीह लोग उनका बच्चों को फॉरेन को बेच देते हैं। क्यों फॉरेन को बेचते हैं? केवल केवल, लेकिन फॉरेन में रहने वाले बच्चे मसीह में है क्या नहीं सोचते हैं। एक दिन तो उनको फोन करके, क्या रे बेटा बेटी आज बाइबल पढ़ा है क्या? आज रविवार है, चर्च को गया है क्या? तो प्रार्थना किया है क्या? माँ बाप पूछते क्या? नहीं पूछते हैं। उनके क्या सिर्फ पैसा। माँ बाप ठीक से सुनो, मसीही लोग हो, माँ बाप ठीक से सुनो, अपना बच्चों का उद्धार का विषय में नहीं सोचकर केवल पैसा के लिए बच्चों को फॉरेन को भेजने वाले माँ बाप ठीक से सुनो। अभी यीशु आएगा, अभी यीशु आएगा, आप लोग यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे। लेकिन जो अपना बच्चे फॉरेन में है ना, वो मसीह में नहीं, प्रभु में नहीं, तो वे लोग किधर किधर रहेंगे? वे लोग किधर रहेंगे बोलो? कौन सा राज्य में रहेंगे? मसीह के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे। दूसरा मुहर के बाद यीशु क्या करेगा? पृथ्वी पर से शांति निकाल दे। दुनिया के लोग क्या करेंगे? जो अपना बच्चे फॉरेन में है ना, उनको भी बद करने के लिए ढूंढेंगे। अपना बच्चे क्या करेंगे? फॉरेन से इधर बोर्डिंग साहब को फोन करेंगे, पप्पा मम्मी इधर बेकार हो रहा है, लोग एक दूसरे को मार रहा है, मैं इधर नहीं रहूंगा, मैं आपके पास इंडिया आता हूँ, मैं अरुणाचल आता हूँ, बोर्डिंग से आपके पास आता हूँ। उधर से फोन करेंगे, फोन करके करके देखेंगे, उठाने के लिए आप नहीं, आप चला गए यीशु के साथ स्वर्ग, अपना बच्चे रह दिए। इसलिए यीशु बोला, मेरे लिए मत रो, अपने लिए अपना बच्चों के लिए रो। इसलिए यीशु दूसरा मुहर के बाद अपना बच्चे मसीह के दिन में रहेंगे, उधर से फोन करेंगे आपको, फोन उठाने के लिए आपने आप चला गए, अपना बच्चे रह गए दुनिया में। फोन करके करके देखेंगे, उठाने के लिए आपने क्या करेंगे? मैं कैसा भी करके मेरा माँ बाप के साथ जाता हूं बोलकर फॉरेन से भारत को अरुणाचल को भाग कर आएंगे। जब अपना बच्चे भाग कर आएंगे दूसरा मुहर के समय में, तब अपना बच्चों को क्या हो जाएगा मालूम है क्या? आगे बढ़ेंगे बेटी। जो कोई मिले जो अपना लोग अपना बच्चों को पकड़ेंगे, जो कोई मिले वह बेदा जाएगा। मैं आपको कहानी नहीं बोला। और थोड़ा ही दिन में जो दुनिया में होने वाला है, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक से पढ़कर दिखाता हूं। मैं प्रीचिंग नहीं किया। बेटी पढ़ रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, 8 दिन आपके सामने मैं खड़ा होकर वचन बताने वाला हूं।
एक भी अक्षर बाइबल में ज्यादा गति मैं नहीं करता। आप लोग मेरा गवाही, यीशु मेरा गवाही है। एक भी अक्षर में ज्यादा नहीं करूंगा, कम भी नहीं करूंगा, कम भी नहीं करूंगा। यदि आप और अपना बच्चे मसीह के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे, दूसरा मुहर के बाद ऐसा मरना होगा। यह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। ऐसा मरना चाहेंगे? अपना बच्चों को परमेश्वर का वचन में बढ़ाना। हमारा बेटा लास्ट टाइम आया था, फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैं हम उसको बोला, देख रहे बेटा तू फेल होगा तो भी चलेगा, चिंता मत कर, लेकिन सुबह उठने के बाद हर दिन तेरा हाथ में बाइबल होना है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में हम सिखाया, अभी उसका उम्र है 28। आज भी सुबह उठने के बाद उसका हाथ में आप लोग बाइबल देख सके डेली, फर्स्ट स्टैंडर्ड से आज तक किधर भी बैठेगा सब वचन 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 उसका, सब इधर उधर वचन लिखेगा बैठाएगा, सब वचन वचन। इसमें जो कुछ वीडियो आ रहा है, डिजाइन आ रहा है, उसने करके मुझे सिखाया, ऐसा ऐसा सिखाना पप्पा, ऐसा ऐसा सिखाना। और 12वीं तक कनेक्टर में सीखा, और उसके बाद कलकत्ता में बीटीएच किया, और बेंगलुरु में एमएससी साइकोलॉजी किया, अभी तमिलनाडु में एमटीएच कर रहा है। और उसका मन में है इस प्रकाशित वाक्य को पूरा दुनिया में लेके जाने के लिए। उसने बोला पापा परमेश्वर का धन्यवाद, उसने बोला पापा परमेश्वर तुमको भारत के लिए सुनाया है, और मैं इस प्रकाशित वाक्य के वचन को दुनिया में मैं लेके जाऊंगा, और उसका प्लान है। हम बोला बेटा हम तेरा पीछे है, और जैसा तू परमेश्वर तुझको चलाएगा तैसा वैसा चल, हम तेरा पीछे है, जो जो होगा हम तुझको सपोर्ट करेंगे, प्रभु के सेवक में तू आगे जा सके। फर्स्ट उसको MBBS सीट मिला है किधर, वेल्लूर CMC हॉस्पिटल में। लास्ट को बोला स्पॉन्सर मिला, सीट मिला, लास्ट को बोला पापा मैं डॉक्टर नहीं, उसके पहले पत्र लिखा, मैं डायरेक्ट इधर से उधर वेल्लूर जाऊंगा ट्रेनिंग के लिए। लास्ट को बोला जब मैं बाइबल पढ़ता था 3 बार परमेश्वर मेरे साथ बोला आए वचन के द्वारे, मैं डॉक्टर नहीं होना और सेवा करना, इसलिए मेरे लिए बाइबल कॉलेज देखो। हम परमेश्वर को धन्यवाद बोले, एक ही बेटा परमेश्वर दिया, बहुत अच्छा हो गया, परमेश्वर के सेवकाई में है, इसलिए हमको आनंद। मैं क्यों बोलता हूँ, बच्चों को प्रभु का वचन में बढ़ाना बढ़ाना। 10th स्टैंडर्ड में 94.5% लिया, हमको अचंभा हो गया, इतना मार्क कैसा लिया, हमको मालूम है वो एवरेज है, उतना ब्रिलियंट नहीं, लेकिन ज्ञान किसका हाथ में है, बाइबल आपका हाथ में आया तो बस हो गया, बाकी सब अपना बच्चों के बीच आएगा। हालेलुया। इसलिए यदि अपना बच्चों को प्रभु में नहीं चलाएंगे, मसीह के दिन में कल ऐसा मरेंगे अपना बच्चे। एक परमेश्वर का वचन है। आगे बढ़ेंगे बेटी। और जो कोई पकड़ा जाए, और जो अपना बच्चे फॉरेन से भागकर आएंगे, जो कोई पकड़ा जाए वो तलवार से मार डाला जाएगा। अभी दुनिया के लोग कैसे एक दूसरों को मार डालते हैं, कैसे एक दूसरों को मार, मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा, कुछ फोटो दिखाता हूँ। अभी जो होगा घटना, कैसा लोग मार, ये वीडियो में देखा है, लेकिन आपको नहीं दिखाऊंगा। हाथ को बांधेंगे, फेंकेंगे, करेक्ट सिर के ऊपर शूट करेंगे, कैसा मार डालते हैं, मिट्टी का डेरा जैसा करते हैं, एक ऊपर एक मारकर। अभी जो हो रहा है, कैसा मार डालते हैं दुनिया में, जो अभी हो रहा है, यह अनुग्रह का समय है। अभी कौन सा समय, अनुग्रह के समय में दुनिया के लोग ऐसा मारते हैं, तो मसीह के समय में कैसा मारेंगे? मसीह के दिन में पवित्र आत्मा भी दुनिया में
यीशु का आगमन में हम भी जाएंगे, पवित्र आत्मा भी जाएगा। तो कैसा मारेंगे, जाएंगे क्या आप और अपना बच्चे मसीह के दिन में रहकर ऐसा मारना चाहेंगे? कितना दिन सिनेमा, कितना दिन सीरियल, कितना दिन, छोड़ दो छोड़ दो। कितना दिन मोबाइल में बराबर देखते हैं, बराबर बोलते हैं, कितना दिन बस नहीं हुआ, इतना दिन देखा है बस नहीं हुआ, छोड़ दो। इसके बाद तो छोड़ दो, इस पर विश्वास रखो, पवित्र जीवन करो, ये सब पाप छोड़ दो। इधर रहेंगे ऐसा मरना होगा, इधर नहीं रहना इसके पहले यीशु के साथ तो स्वर्ग जाना। हालेलुया, आगे बढ़ेंगे बेटी। उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक दिए जाएंगे, उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक दिए जाएंगे। माँ बाप सुनो, सब माँ बाप सुनो, सब माँ बाप सुनो, जो अपना ऐसा छोटे छोटे बच्चे है ना, बच्चों के साथ घर में बैठकर सिनेमा सीरियल नहीं देखना। माँ बाप, आज आप लोग घर में बैठकर बच्चों के साथ सिनेमा सीरियल देखकर बैठेंगे, यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे। मशहूर के दिन में दूसरा मोहर के बाद यीशु पृथ्वी पर से शांत निकाल देने के बाद अपना आंख के सामने दुनिया के लोग अपना बच्चों को मार डालेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। अभी अभी छोटा छोटा बच्चों का कैसा मार डालते हैं, कुछ फोटो दिखा, मैं ज्यादा मैं नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, डेंजर है। ये सिंपल दिखाता हूं कैसा छोटे छोटे बच्चों को मार डालते हैं, अभी अभी कैसा छोटे छोटे बच्चों को मार डालते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे क्या क्या गलत किए, ये बच्चों को क्यों मारना, कैसा मार डालते हैं छोटे छोटे बच्चों को, कैसा मार डालते हैं। बच्चों लोग सुनो, बच्चों लोग सब लोग बच्चों लोग सुनो, इवन छुट्टी टीवी, कार्टून नेटवर्क, ओगो चैनल, छोटा भीम, इवन मोबाइल में वीडियो गेम्स, WWE, सुपरमैन, ऐसा जो कुछ बच्चों का चैनल है उसके द्वारा शैतान आपको भरमाएगा, ऐसा मरना होगा। चाहेंगे ऐसा मरना चाहेंगे? छोड़ देना, छोड़ देना। अभी अभी शैतान क्या करा है मालूम है क्या, ये छुट्टी टीवी, कार्टून नेटवर्क, गोगो चैनल, सुपरमैन, इसके द्वारे अपने बच्चों को भरमा रहा है। अभी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अब सैटन वर्क अमंग चिल्ड्रन थ्रू मीडिया। मीडिया बोलेंगे क्या, ये छुट्टी टीवी, कार्टून नेटवर्क है ना, इसको बोलेंगे मीडिया। मीडिया के द्वारे शैतान काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, डीसी कॉमिक्स इंट्रोड्यूसर्स न्यू सुपरमैन अस गे, मतलब क्या, होमोसेक्सुअल। सुपरमैन देखा है ना बच्चे लोग, सुपरमैन देखा है, देखा है ना बेटी, ओके। पहला नहीं, बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे, वो करेक्ट बोलेंगे। पहला सुपरमैन बोलेंगे तो लड़का लड़की को प्रेम करते थे, लेकिन अभी लड़का लड़की को नहीं, लड़का लड़का को प्रेम कर रहा है। ये कौन सा पाप है बोलो, कौन सा पाप है, होमोसेक्स, सब बोलो। ये पाप किधर था, सदोम अमोरा में था, किधर था, परमेश्वर क्या किया, आकाश से आग बरसाया, उनको भस्म किया, भस्म किया। लेकिन अभी हो रहा है सुपरमैन क्या, होमोसेक्स। जो हो रहा है मैं आपको दिखाता हूं, पीछे सुनो, कुछ समझ, जो हो रहा है अभी मैं आपको दिखाता हूं। Well, big announcement today from DC Comics. They revealed the new Superman, who is the son of Clark Kent, is bisexual. Linda Schmidt has more on the groundbreaking comic hero. And DC Comics dropping this big news today on National Coming Out Day. I think it's great. I think it's a step towards the right direction. Superman's an icon, has been since he came out. So having the new Superman be an icon for LGBT kids is going to be even better. Some comic book fans at Midtown Comics in Times Square supporting the new storyline for Superman's son, John Kent. He is bisexual and he is falling for a male reporter by the name of Jay Nakamura. अभी
अपना बच्चे ऐसे सुपरमैन को देखेंगे तो अपना बच्चों को मन में क्या आएगा, मैं भी सुपरमैन जैसा होना, मतलब कैसा शैतान होमोसेक्स सुपरमैन के द्वारे अपना बच्चों को मन में लेकर आ रहा है। समझ में नहीं आया माँ बाप को? इसलिए मैं आपको बच्चों को बताता हूँ, ईवन छुट्टी टीवी, कार्टून नेटवर्क, गोगो चैनल, छोटा भीम, सुपरमैन, ऐसा मोबाइल में वीडियो गेम्स, इसके द्वारे भी शैतान आपको भरमाएगा, मरना होगा मसीह वृद्ध के दिल में। छोड़ देना, छोड़ देना। केवल उतना नहीं, सैटन स्वर्क अमंग चिल्ड्रन थ्रू एजुकेशन। पहले हम देखे थे मीडिया, अभी हम देख रहा है एजुकेशन। एजुकेशन एजुकेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? शिक्षण के द्वारे कैसा शैतान काम कर रहा है। चिल्ड्रन स्टार्ट टू एक्सेप्ट एंड सेलिब्रेट होमोसेक्सुअल, होमोसेक्स सेलिब्रेट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए स्कूल कॉलेज में शिक्षण हो रहा है। ये तो 6 महीना के पहले 22 कंट्रीज में शुरू हो गया अभी होमोसेक्स एक्सेप्ट करने के लिए। जो हो रहा है शिक्षण आप खुद देखो, कुंज सौ आप खुद देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूं। A family can be made up in many different ways. It's called SOGI, for sexual orientation and gender identification, a curriculum that teaches public school students across Canada to celebrate the homosexual lifestyle. Celebrate the homosexual. And that gender is fluid. In other words, your gender is not dependent on what parts you were born with, but rather what you feel like. In उन्होंने क्या सिखा रहा है? तू लड़का है, लड़की है, जैसा जन्म हुआ वैसा नहीं, जैसा तेरा मन में आएगा वैसा, ये सिखा रहा है। अभी मेरा लड़का है तो मैं उसको लड़का नहीं बोलना, उसका मन में है मैं लड़की है, ऐसा उसका मन में है तो वो लड़की का ड्रेस पहन सके। मेरा लड़की है उसको तू लड़की है, लड़का ड्रेस नहीं पहनना, तू लड़की, मैं नहीं बोलना लड़की को, उसका मन में है, उसके मन में है मैं लड़का है, लड़का ड्रेस पहन सके। कौन बोला, कौन बोला ये सब? किधर से आ रहा है शिक्षण? समझ में नहीं आया? 6 महीना पहले लगभग 22 देश में ये शिक्षण फैल गया। मैं आपको बताऊं क्या, मीडिया जो गलत मीडिया हो रहा है, शैतान का काम हो रहा है मीडिया में, आप लोग मीडिया को स्टॉप नहीं कर सके। क्यों? मीडिया के पीछे बड़ा बड़ा धनवान लोग है। जो गलत शिक्षण हो रहा है दुनिया में स्टॉप नहीं कर सके। क्यों? ये गलत शिक्षण के पीछे गवर्नमेंट है। लेकिन आप लोग अपना बच्चों को एक कर सके क्या? परमेश्वर को वचन को सिखा सके, परमेश्वर को वचन में जीवन है, वचन अपना बच्चों को बचाव करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन लिखा है, हम सब मिलकर पढ़ेंगे इस वचन को, भजन संहिता 119:9 जवान, हाँ सब मिलकर पढ़ेंगे, सब जवान अपनी सब मिलकर पढ़ेंगे, मिलकर पढ़ेंगे, 1 2 3 जवान अपनी शाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरा वचन के अनुसार सावधान रहने से। समझ के वचन को डेली सुबह उठने के बाद, माँ बाप सुनो, डेली सुबह उठने के बाद यदि आप लोग मसीही परिवार है तो अपना घर में परिवार का प्रार्थना होना है। डेली सुबह उठने के बाद माँ बाप क्या करना, छोटा बच्चे रहने दो, बड़ा बच्चा रहने दो, जवान बच्चे रहने दो, कोई रहने दो, सुबह 5 बजे प्रार्थना कंपलसरी, कुछ भी होने दो, सब बच्चे लोग का आना बैठना प्रेयर के लिए। छोटा छोटा बच्चा है क्या, उनको रोएंगे बोलकर बेड में नहीं डालना, उनको भी लेकर आना, अब सब लोग बैठकर प्रेयर करेंगे ना, बीच में छोड़ना। क्यों? वचन में क्या लिखा है, जहां कहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा आएंगे उधर मैं हूं, उधर मैं हूं। यीशु बोला, यीशु का अभिषेक अपना
छोटा छोटा बच्चे को ऊपर आने दो, छोड़ो, बीच में छोड़ दो। वो रोते हैं बोलकर बेड बेड में बेड के ऊपर नहीं डालना। सब छोटा बच्चे बड़े बच्चे सब लोग आकर बैठना। हर दिन सुबह 5 बजे परिवार का प्रार्थना होना है। एक गाना 5 मिनट, एक अध्याय बाइबल पढ़ना 5 मिनट। जब आप लोग बाइबल पढ़ेंगे बच्चों का कान में वचन गिरना है, ऐसा पढ़ना है। 2 मिनट प्रार्थना या 3 मिनट प्रार्थना या 5 मिनट प्रार्थना, एक गाना 5 मिनट, एक अध्याय बाइबल पढ़ने 5 मिनट, एक प्रार्थना 5 मिनट। टोटल कितना मिनट हो गया परिवार का प्रार्थना? 15 मिनट। उसके बाद बच्चे तैयार होना, उनका स्टडी करना और जो पकाना काम है सब कुछ करना। क्यों? ये अपना बच्चे है ना, ये अपना बच्चे सुबह 8-9 बजे तक अपना हाथ में रहेंगे। उसके बाद ये बच्चे लोग किधर जाएंगे? स्कूल कॉलेज जाते हैं ना। स्कूल कॉलेज में सब बच्चे परमेश्वर का बच्चे नहीं, करेक्ट है ना? स्कूल कॉलेज में सब बच्चे परमेश्वर के बच्चे। स्कूल कॉलेज में बच्चे क्या करेंगे? मोबाइल में बुरा बुरा देखेंगे, देखते हैं ना, देखते हैं ना, कॉलेज में स्कूल में बुरा बुरा बोलेंगे, बुरा बुरा देखेंगे, बुरा बुरा काम करेंगे। बच्चों को स्कूल कॉलेज में हम कंट्रोल नहीं कर सके, लेकिन सुबह उठने के बाद आप लोग परिवार का प्रार्थना किए ना, उस समय में बाइबल पढ़े थे ना, वो वचन अपना बच्चों का कान में गिरा है ना, वो वचन पूरा दिन स्कूल कॉलेज में अपना बच्चों को बचाव करेगा। क्यों? परमेश्वर का वचन में जीवन है, जीवन है। कैसा भी हो वचन उनका मन में रहेगा। शाम को स्कूल कॉलेज खत्म होने के बाद बच्चे घर को आने के बाद रात को खाने से पहले एक 15 मिनट एक गाना गाना और एक अध्याय बाइबल पढ़ना। सुबह नया नियम पढ़ा है क्या, शाम को पुराना नियम, या सुबह पुराना नियम पढ़ा है क्या, शाम को नया नियम, उधर एक अध्याय इधर एक अध्याय, डेली क्रम से पढ़ना, डेली पढ़ना। शाम को खाने से पहले 8 बजे फैमिली प्रेयर है तो बच्चे किधर भी जाने दो, 8 बजे घर में रहना। तो जो जवान बच्चे हैं करेक्ट टाइम को घर को आएंगे, घर को आएंगे, नहीं तो गलत काम के लिए इधर उधर घूमेंगे, मालूम नहीं आपको? 8 बजे फैमिली प्रेयर, बच्चे आना ही चाहे। जब खाना खाएंगे माँ बाप सुनो, माँ बाप सुनो, जब खाना खाएंगे माँ बाप अलग बैठ कर खाना, बच्चे अलग बैठ कर खाना नहीं करना, नहीं करना, सब इकट्ठा बैठ कर खाना खाना, ये आदत होना है। हमारे घर में हमारे पापा मम्मी मुझे ये सब बनाए थे, खाने के समय में इधर उधर नहीं बैठना, लेट करके नहीं आना। जब उधर तमिलनाडु में क्या करेंगे, गर्म ज्यादा हो जाएंगे ना, खाने के टाइम में गर्म करेक्ट टाइम को नहीं आया, सब बैठ कर खाना खाएंगे। यदि कोई बच्चे थोड़ा लेट करेंगे, हम 5 बच्चे कोई लेट करेंगे किधर तो जाएंगे, करेक्ट टाइम को खाने के टाइम में घर को नहीं, घर में नहीं आएंगे, खाना खाएंगे और जो बच गया ना खाना उसमें पानी डालेंगे रखेंगे। हाँ, आकर उसको देखकर उपवास रहना, नेक्स्ट डे करेक्ट आएगा। हाँ? नहीं, हमको ऐसा बढ़ाया है, मेरा पापा ऐसा बढ़ाया है। खाने के समय में एक राइस नीचे नहीं गिरा, एक राइस गिरेगा तो मुझे पट बोलकर हे करेगा, ले प्लेट में डाल, कहा बोलेंगे, सिखाना बच्चों को, सिखाना ये डिसिप्लिन, सिखाना। खाने के समय में बच्चे सब लोग खाना, फैमिली प्रेयर हर दिन खाने से पहले फैमिली प्रेयर कंपलसरी। सुबह नया नियम पढ़ा है क्या, शाम को पुराना नियम, उधर एक अध्याय इधर एक अध्याय, शाम को एक गाना गाना 5 मिनट, एक अध्याय बाइबल पढ़ना 5 मिनट, एक प्रार्थना करना। आप प्रार्थना क्या करना, अपना बच्चे स्कूल कॉलेज जाके आए हैं, कुछ तो गलत किए हैं, देखे हैं, बोले हैं, उनके लिए प्रार्थना करना, प्रभु हमारा बच्चे स्कूल कॉलेज में कुछ तो तेरे को ना पसंद, ऐसा कुछ देखा है, बोला है, किया है, उनको तू क्षमा कर प्रभु, तेरा लहू से धोकर शुद्ध कर प्रभु, आशीष कर प्रभु।
उसके बाद खाना खाना और सोना। क्यों? यदि उस रात को यीशु आएगा, बच्चे माँ बाप सब मिलकर यीशु के साथ स्वर्ग जाना है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर का लोग हम ज्यादा दिन पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। यीशु के साथ स्वर्ग जाने का समय निकट आया है, इसलिए मैं माँ बाप को बताता हूँ, सब लोग ठीक से सुनो, माँ बाप को बताता हूँ, हर दिन अपना घर में फैमिली प्रेयर परिवार का प्रार्थना करना है। जो काम आपको दिया है करो, मैं नहीं बोला आप काम को जा रहा है टीचर नर्स, कुछ कुछ तो काम दिया है परमेश्वर आपको दिया है, माँ बाप काम करो, मैं नहीं बोला काम करो। क्यों? घर बार देना है, बच्चों को सिखाना है और खाना खिलाना है, मेडिकल ये सब है, इसलिए जो काम परमेश्वर आपको दिया है काम करो। काम करते करते अपना घर वाले लोगों को यीशु का आगमन के लिए तैयार करो। हालेलुया। हाँ, इसलिए बच्चे लोग ठीक से सुनो, आपको हाँ जो आप लोग पढ़ाई कर रहा है स्कूल कॉलेज में, स्टडी कर रहा है उसको करो, स्टडी करो, मैं नहीं बोला स्टडी करो, अच्छा स्टडी करो, स्टडी करते करते यीशु का आगमन के लिए तैयार होना है। क्योंकि हम ज़्यादा दिन पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, यीशु के साथ स्वर्ग जाने के समय निकट आया है। इतना दिन मोबाइल में बुरा बुरा देखा है, छोड़ दो, इसके बाद दो आपको पवित्र करो। क्यों? यीशु के साथ स्वर्ग जाना है, इधर रहेंगे ऐसा मरना होगा। अभी हम देखेंगे तीसरा मुहर। जब तीसरा मुहर यीशु खोलेगा तब क्या होगा? और एक 10 मिनट। जब तीसरा मुहर यीशु खोलेगा तब क्या होगा? आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, जब यीशु ने तीसरी मोहर खोली तब मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना। स्वर्ग में तीसरा प्राणी यूहन्ना को देखकर बोल रहा है, यूहन्ना जो आगे होने वाला है करके बता दो। मैंने दृष्टि की, यूहन्ना दृष्टि की, और देखो एक लाल घोड़ा है। लाल है? वो काला घोड़ा है। एक काला घोड़ा कौन सा घोड़ा है? हाँ, काला घोड़ा है, मेरे जैसा काला वाला आला है, आया है ना। ओके, तो जब तीसरा मोहर यीशु खोलेगा, कौन सा घोड़ा बोलो? काला घोड़ा है। काला रंग किसको तुलना करेगा? दुख, सैडनेस। कैसा? अभी इधर उधर देखेंगे तो जो लोग स्ट्राइक करते हैं ना, धरना करते हैं ना, उनको आप देखेंगे तो काला शर्ट पहनेंगे, नहीं तो काला पट्टी बांधेंगे और रास्ते के ऊपर खड़ा होकर स्ट्राइक करेंगे। क्यों? काला रंग तुलना करेगा दुख, हमको दुख व्यक्त करने के लिए काला रंग। तो काला रंग तुलना कर रहा है सैडनेस। प्रभेति, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना। स्वर्ग में चार प्राणियों के बीच में से शब्द आया। अभी चार प्राणी के बीच में कौन है? परमेश्वर है। चार प्राणी के बीच में कौन है? अभी स्वर्ग में चार प्राणी के बीच में से शब्द आया। क्या शब्द आया? अभी ठीक से सुनना। दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार का 3 सेर जो पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। ठीक क्या? दीनार का सेर भर गेहूं, दीनार का 3 सेर जो, तेल और दाखरस की हानि ना करना। दीनार मतलब क्या? नीचे फुटनोट में देखो बेटी, नीचे फुटनोट में दीनार मतलब क्या लिखा है बेटी? एक दीनार बराबर एक दिन की मजदूरी। हाँ, एक दीनार बराबर एक दिन का मजदूरी। हाँ, मतलब दीनार का शेयर भर गेहो, दीनार बोलेंगे एक दिन का मजदूरी। आप इंग्लिश में एनआईवी में आप लोग देखेंगे तो उधर क्लियर लिखा है 1 day wages लिखा है, हिंदी में दीनार लिखा है, लेकिन इंग्लिश में जहां दीनार लिखा है एनआईवी में 1 day wages बोला है,
एक दिन का मजदूरी, एक दिनार बरोबर एक दिन का मजदूरी, समझ गए? ऐसा है तो अभी देखो, दिनार का शेयर भर गेहूं, एक शेयर बोलेंगे तो एक किलो, एक शेयर बोलेंगे तो दिनार बोलेंगे तो एक जन का मजदूरी, दिनार का शेयर भर गेहूं, इसका अर्थ एक दिन का मजदूरी एक किलो गेहूं, समझ गए? एक दिन का मजदूरी एक किलो गेहूं, दिनार का तीन शेयर जौ, मतलब एक दिन का मजदूरी तीन किलो जौ, एक दिन का मजदूरी एक किलो गेहूं, एक दिन का मजदूरी तीन किलो जौ, तेल और दाखरस की हानि न करना, मतलब अर्थ क्या, ठीक से सुनो। मसीह विरोधी के दिन में तीसरा मुहर के बाद दुनिया में करेंसी नहीं रहेगा, नो करेंसी एट ऑल ऑन द अर्थ। तीसरा मुहर के बाद दुनिया में करेंसी, भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर, यूरोपा में यूरो, ये सब बंद हो जाएगा। सब मतलब क्या, मसीह के दिन में तीसरा मुहर के बाद दुनिया का लोग करेंसी नहीं देखेंगे लेकिन लेन देन करेंगे। अभी आपको मालूम है क्या, अभी आप लोग रुपया पॉकेट में न लेकर बाहर जाकर सब कुछ परचेसिंग कर सके, लेन देन कर सके, गूगल पे, फोन पे, एटीएम कार्ड, इसके, लेकिन पैसा नहीं हाथ में, पैसा नहीं, पैसा तो किधर है, बैंक में है, लेकिन गूगल पे, फोन पे, इसके द्वारा हम सब कुछ खरीद कर सके, करेक्ट है ना? हाँ, बाइबल में लिखा है तीसरा मोहर के बाद दुनिया में करेंसी नहीं रहेगा, लोग करेंसी नहीं देखेंगे लेकिन लेन देन करेंगे। परमेश्वर का लोगो हो अभी शुरू हो गया है, शुरू, और थोड़ा दिन में मसीह के दिन में तीसरा मोहर के बाद पूरा दुनिया में करेंसी बंद हो जाएगा, बंद। कैसा परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है देखो, ये गूगल पे, फोन पे, एटीएम कार्ड स्क्रैच करके पर्चे, ये सब लोग क्या बोल रहा है, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ये मछली पकड़ने वाला यूहन्ना को किधर से आया टेक्नोलॉजी, 2000 साल पहले। हालेलुया, क्या परमेश्वर का वचन है, क्या परमेश्वर का वचन है। अरुणाचल में रहने वाले सब लोग हो, भारत का लोग हो, ठीक से सुनो, और थोड़ा ही दिन में पृथ्वी पर करेंसी बंद होने वाला है। मसीह विरोधी के दिन में तीसरा मुहर के बाद दुनिया में करेंसी नहीं रहेगा। अभी करेंसी बंद करने के लिए पूरा दुनिया प्लान ऑलरेडी हो गया है, भारत में भी हो गया है, थोड़ा दिन में भारत में भी करेंसी बंद हो जाएगा, हम रुपया नहीं देखेंगे लेकिन लेन देन करेंगे। कैसा करेंगे, क्या लिखा है बाइबल में, अभी क्या हो रहा है, आगे जाता जाता दोनों को मैं दिखाऊंगा, तब आपको मालूम हो जाएगा, आहा क्या रे बाइबल है, क्या बाइबल है। तीसरा मुहर के बाद दुनिया में करेंसी नहीं रहेगा, दिन भर काम करेंगे, गेहूं मिलेगा और जौ मिलेगा, अन्न मिलेगा, दाने मिलेगा, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, और तेल और दाखरस की हानि, मतलब क्या, अकाल। तीसरा मुहर के बाद पूरा दुनिया में अकाल, दुनिया के लोग अकाल में मरेंगे। जो लोग मसीह विरोधी के दिन में रहेंगे अकाल में मरेंगे, लेकिन जो लोग इसके पहले आने वाला यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे उनको स्वर्ग में क्या मिलेगा मालूम है क्या, विवाह का बोझ यीशु के साथ, यीशु के साथ हम बैठकर क्या खाएंगे, विवाह का बोझ।
स्वर्ग में दुर्गा कौन है, दुर्गा कौन है, दुल्हीन कौन है? यीशु मसीह खुद कमर बांध कर हमको खाने के लिए बिठाएगा। हालेलुया। देखिए ब्रदर जी, स्वर्ग में हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, अपना घर कैसा है, इसको थोड़ा बोलो। अभी हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 19:9, 1:5-10, इसको कंप्लीट करो। तीसरा मोहर कंप्लीट करता हूँ, चौथा मोहर से हम कल देखेंगे, 1-10 मिनट हो जाए, ठीक है? तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, स्वर्गदूत यूहन्ना से कहा, यह लिख। यूहन्ना लिख कर रख, क्या कर, लिख कर रख। हाँ प्लीज, यू तो बोलना इधर आवाज आ रहा है, सो वी शुड बी द मॉडल बिकॉज यू आर द लीडर्स इन फ्यूचर फॉर द कांग्रीगेशन। तो अभी स्वर्गदूत यूहन्ना से बोल रहा है, यूहन्ना क्या कर, लिख कर रख। बोलो बेटी, कि धन्य वे है जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए, जो मेमना का यीशु का विवाह का भोज में बुलाए गए हैं, वे धन्य है। मतलब अभी आने वाले यीशु के साथ जो लोग स्वर्ग जाएंगे, यीशु का विवाह का भोज में बैठेंगे। हालेलुया। पास्टर जी क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, देखेंगे। लूक 12:37, 12:37। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। हाँ इधर देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सुबह मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा। क्या बात है, यीशु कमर बांध कर हमको खाने के लिए बैठा है, क्या बात है। किधर तो एक कंपनी मैनेजर काम करने वाले लोगों को भोज में बिठाकर कंपनी मैनेजर कमर बांध कर खाना खिलाएगा, सर्व करेगा? आफ्टर ऑल एक कंपनी मैनेजर नहीं करेगा, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र यीशु बोल रहा है, मैं मेरा कमर बांध कर तुमको खाने के लिए बिठाऊंगा। ताले बजाएं, धन्यवाद। ऐसा परमेश्वर किसको मिलेगा, किधर मिलेगा? हालेलुया। इतना यीशु अपना ऊपर प्रेम कर रहा है, क्या प्रेम, यीशु का प्रेम है। क्या खाएंगे पिएंगे, प्रकाशित वाक्य 2:7 पढ़ेंगे बेटी, 2:7 प्रकाशित वाक्य। हाँ आत्मा कल, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए अभी आने वाले यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाएगा, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से, जीवन का पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, फल खाने को दूंगा। जीवन का पेड़ का फल यीशु हमको क्या करेगा, खाने के। ब्रदर जी जीवन का पेड़ मतलब क्या, उसका फल मतलब क्या, देखेंगे 22:1-3 प्रकाशित होकर 22:1-3 जीवन का पेड़ मतलब क्या, उसका फल मतलब क्या, देखेंगे। फिर उसने मुझे बिलोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई। अभी स्वर्गदूत यूहन्ना को दिखाया क्या, जीवन की नदी दिखाया, क्या दिखाया, स्वर्गदूत यूहन्ना को दिखाया वो नदी किधर से आ रहा है। आगे बढ़ेंगे बेटी, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकल कर, अरे वाह, जीवन की नदी किधर से आ रहा है, परमेश्वर
मेमना मतलब यीशु का सब बोलो सिंहासन से जीवन का नदी निकल रहा है, कभी भी सुख नहीं जाएगा। क्यों? परमेश्वर का सिंहासन से आ रहा है। हाँ, किधर किधर बह रहा है? हाँ, उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नगर की सड़क के बीचों बीच बह रहा जीवन की नदी। नगर, स्वर्ग में नगर है, हिंदी में नगर, इंग्लिश में सिटी। स्वर्ग में बड़ा सिटी है, उसमें बहुत से मकान है, सब सोने का मकान है। इसलिए यीशु बोला, योहन्ना 14:1-3 में क्या बोला? नहीं पढ़ना। योहन्ना 14:1-3 में यीशु क्या बोला? तुम्हारे मन व्याकुल परमेश्वर पर, मुझ पर भी, मेरा पिता के घर में बहुत से रहने के बहुत मकान है। बहुत, मैं आपको बताऊं क्या, हर दिन इस पृथ्वी पर जितना लोग यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लेंगे, उनके लिए एक सोने का मकान रिजर्वेशन हो जाएगा। हर दिन हो रहा है, हर दिन रिजर्वेशन हो रहा है, सोने का मकान हुआ। अभी योहन्ना को स्वर्गदूत दिखाया, जीवन का नदी किधर से आ रहा है? परमेश्वर में यीशु का सिंहासन से निकलकर नगर की सड़क के बीचों बीच बहती है जीवन का नदी। नगर कैसा है, सड़क कैसा है स्वर्ग में? नगर कैसा है, सड़क, सड़क मतलब रोड। नगर कैसा है, सड़क कैसा है, अभी देखेंगे। उधर से ऊपर ऊपर बेटी, हाँ 21:18, हाँ करेक्ट 21:18। नगर कैसा है स्वर्ग में? उसकी सहरपना यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था। अरे वाह, नगर ऐसे स्वर्ग में, नगर कैसा है? पूरा नगर सोना, सोना नहीं शुद्ध सोना। मैं आपको बताऊं क्या, वो सोना का काम करने वाले को सोनार, सोनार बोलेंगे ना, सोनार है ना, खुद का पत्नी के लिए मंगलसूत्र करेगा तो भी शुद्ध सोना नहीं करेगा, मिक्स करके ही करेगा। खुद का पत्नी का करेगा तो भी मिक्स नहीं करेगा, उसको शांति नहीं होगा। लेकिन स्वर्ग पूरा सिटी शुद्ध सोना। रोड कैसा है, सड़क कैसा है? 21 पढ़ेंगे बेटी, 21 उधर ही, 21। बारह फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। कौन सा सोना? क्या शुद्ध सोना? नगर की सड़क, सड़क मतलब क्या? रोड, रोड सब शुद्ध सोना, सिटी शुद्ध सोना, रोड सोना, मकान सोना। अब जैसा मिट्टी है ना, वैसा स्वर्ग में सोना। कल स्वर्ग जाने के बाद जब आप लोग स्वर्ग में आकर खड़ा होंगे ना, पहला आश्चर्य, पहला अचंभा आपको क्या हो जाएगा मालूम है क्या? मैं इधर कैसा जी? मैं इधर, ये पहला अचंभा। दूसरा क्या मालूम है क्या? हाँ, तू कैसे इधर आया? तीसरा क्या मालूम है क्या? वो पास्टर नहीं आया क्या? इसलिए बहुत डेंजर है। सो स्वर्ग है, सो सब सोना, स्वर्ग सोना, रोड सोना। अभी इधर आइए बेटी, जहां छोड़ा है ना, जहां 22:1-3 में, हाँ हाँ, वो नदी किधर बह रहा है? सड़क के बीचों बीच जीवन का नदी बह रहा है। सड़क मतलब सोना के ऊपर जीवन का नदी। आगे बढ़ेंगे बेटी, नदी के इस पार, सुनो, नदी के इस पार और उस पार, उस पार जीवन का वृक्ष था, जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। हर एक जीवन के वृक्ष में कितना वैरायटी फल है? अरे वाह, हर एक जीवन के वृक्ष में 12 वैरायटी फल हर एक वृक्ष में। एप्पल,
उसी पेड़ के ऊपर, मैंगो उसी पेड़ के ऊपर, बनाना उसी पेड़ के ऊपर, ऑरेंज उसी पेड़ के ऊपर, स्ट्रॉबेरी उसी पेड़ के ऊपर, 12 वेराइटीज पर इसको देखेंगे। अभी ही पानी आ रहा नहीं, मिट्टी में उगकर आने वाला आंब का टेस्ट इतना अच्छा है, स्वर्ग में सोना में उगकर आने वाला आंब का पेस्ट, हाँ टेस्ट कितना अच्छा रहेगा। मुझे चाहिए, आपको चाहिए क्या? अरे जैसा आप बोले वैसा ही मिल जाएगा। मैं क्यों पूछा, जीवन मरण दोनों किधर है? जैसा बोलेंगे वैसा। हाँ मुझे चाहिए, आपको चाहिए क्या? जैसा आप बोले वैसा ही आपको मिल जाएगा। हालेलुया। हर एक पेड़ के ऊपर कितना वेराइटी फल है, वाह कितना दिन में फल देगा। और वो हर महीने फलता था। अरे वाह कितना दिन में फल दे रहा है। अभी जो आम का पेड़ है कितना दिन में फल देगा? साल का। वो भी कुछ तो कीड़ा लगाया, वो भी नहीं देगा। स्वर्ग में कीड़ा भी नहीं, पीड़ा भी नहीं। हालेलुया। 12 वेराइटी फल, जीवन का नदी का पानी और विवाह का भोज। मैं आपको बताऊं क्या, सब लोग पीछे सुनो, आप लोग दुनिया में ये सिनेमा सीरियल बुरा बुरा मोबाइल में देखने और कई नहीं सुअर भी नहीं खाएगा, नहीं टेस्ट करके देखो ना, थोड़ा कहीं नहीं लेना, हाथ में लगाना, चुन्ना लगाना, ऐसा ऐसा करना, सुअर के सामने रखना, खाएगा क्या? आप खाते हैं ये सिनेमा सीरियल इंटरनेट सेलफोन कैनी बीड़ी सिगरेट व्यभिचार ये सुख बोलकर आप लोग बुरा सोचकर बैठे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोगों को दुनिया के सुख से 1000 गुना ज्यादा सुख यीशु आपके लिए स्वर्ग में तैयार करके अपना रास्ता देकर बैठा है। धन्यवाद। जो लोग यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे विवाह का बोझ, लेकिन जो लोग ये सब पाप करके मसीह के दिन में रहेंगे कैसा मरेंगे? कैसा न मरेंगे? आपको ये आकाश चाहिए क्या? स्वर्ग में विवाह का बोझ चाहिए क्या? हालेलुया। आप जैसा बोले वैसा ही यीशु आपको दो। हालेलुया। और जो होने वाला है हम कल से देखेंगे महत्व शिक्षण। परमेश्वर आपको आशीष करे। अभी पास्टर।